हाँ जी ऑडियो और वीडियो क्लियर है हेलो क्या हाल चाल क्या हाल चाल हेलो अब्दुल हेलो गौरव संजना स्निग्धा सुंदराम क्विक बायोलॉजी ट्रेक्स हेलो दिनेश हेलो तोसेफ हेलो सलोनी नॉनसेंस भी नाम है किसी का क्या बात है हेलो प्रगति नेहा श्याम फिजिशियन टेस्ला लव स्टेटस क्या हाल चाल हेलो जीशान कैसे हो यार हेलो 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 नीट एस्पिरेंट गौरव स्मिथ ऑल क्लियर इज द ऑडियो एंड वीडियो क्लियर जस्ट लेट मी नो इन द चैट सेक्शन इज द ऑडियो एंड वीडियो क्लियर देन लेट स्टार्ट आर न्यू सीरीज डी कोडिंग एनसीआर टी केमिस्ट्री हम यार इस पर्टिकुलर सीरीज में पूरी की पूरी एनसीआर टी डी कोड करने वाले हैं बहुत शानदार तरीके से यार सारी चीजें पढ़ेंगे मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यार एनसीआर टी की जो आपकी किताब है एनसीआर की जो आपकी किताब है वो आप अपने साथ में लेके इस वीडियो को देखिए है ना ताकि यार मैं मैं भी इस पर्टिकुलर वीडियो में जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं वो NCRT के स्निप्स ही लेके आया हूँ तो टी के ही स्निप्स हैं तो यार वहां से ही आपको आइडिया लगेगा कि यार मैं कैसे क्या पढ़ा रहा हूँ राइट तो आप लोग यार अपनी एनसीआर की बुक जरूर अपने साथ में लेके बैठो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट बोले तो आपका चैप्टर वन ऑफ इलेवन है ना चैप्टर वन ऑफ इलेवेंथ ठीक है चैप्टर वन इलेवेंथ स्टैंडर्ड का इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले जस्ट गिव मी अ इन द चैट सेक्शन गिवी थेक्शन रेडी फॉर सीरीज। जस्ट गिव मी दिसम्स अप इन द चैट सेक्शन अगर आप लोग रेडी हैं इस सीरीज के लिए तो स्टार्ट करें एक्साइटेड ठीक है बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करेंगे है ना शानदार तरीके से पढ़ेंगे अच्छे से आप लोग लीजिए लाइव क्लासेस रखा करेंगे आपका मैंने शेड्यूल मैंने प्रोवाइड कर दिया है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलने वाले हैं और आ, कोई भी यार डाउट आएगा तो बीच बीच में मैं आपके डाउट्स भी लेता रहूंगा ठीक है बीच बीच में आपके डाउट्स भी जरूर मैं लेता रहूंगा ऑल राइट चलिए स्टार्ट करें चलो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल आ जाओ यार आ जाओ है ना चलिए आप लोगों को पता होगा यार हमारे कोर्सेज चल रहे हैं कंप्लीट ड्रॉपर बैच चल रहा है उसमें कंप्लीट फिजिक्स कंप्लीट केमिस्ट्री कंप्लीट बायोलॉजी है उसका प्राइस फोर ट्रिपल नाइन है वो चाहिए आप यार ऐप और वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं अगर इंडिविजुअल आपको कोर्सेज देखने हैं तो यार इंडिविजुअल केमिस्ट्री का कोर्स चल रहा है टू में इसमें टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस एंड पी वाई क्यू सोल्यूशन एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन दिस कोर्स चाहे तो यार ऐप और वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हो ऑल right? चलो स्टार्ट करते हैं यार इस पर्टिकुलर आ, सीरीज को अच्छा ये जो भी यार आपको दिख रहा है जो भी यार मैंने ये स्लाइड बना रखी है इसका पूरा का पूरा पीडीएफ फॉर्मेट आपको ऑफ लर्निंग ऐप के टेलीग्राम चैनल पे है ना यार आपको पता होगा इस टेलीग्राम चैनल के बारे में नहीं पता है तो यार इसे फटाक से जाके फॉलो कर लेना टेलीग्राम चैनल है हमारा यार किसके नाम से है मार्क्स मार्क ऑफ लर्निंग ऐप इस नाम से टेलीग्राम चैनल है पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी एज वेल एज यार्लासेस का भी यार चैनल है कर दूंगा, आप लोग अपने एनसीआर में मार्क करते हुए चलिएगा ठीक है आप लोग अपने एनसीआरटी में यार प्लीज मार्क करते हुए चलिएगा जो जो मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं स्टार्ट करें ऑल राइट लेटेट स्टार्ट देखो देखिए स्टार्टिंग में यार अगर आप लोग यार एनसीआरटी केमिस्ट्री की खोलोगे मोल कॉन्सेप्ट की खोलोगे तो यार स्टार्टिंग में यार उसने कुछ कुछ चीजें ले रखी हैं कुछ कुछ हिस्ट्री के बारे में बता रखा है वो सब यार कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग यार अपनी जो एनसीईआरटी है वहां पर इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री जो टॉपिक है देखो आपके एनसीआरटी में होगा इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री उसे खोल लो यार इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री खोल लीजिए ठीक है अब इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री देखो यार उसमें ये सारी चीजें बता रखा है कि यार जो आजकल जो केमिस्ट्री है वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में काम आ रही है जैसे यार वेदर पैटर्न में काम आती है फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन को डिटरमाइन करने में काम आ रही है कंप्यूटर एप्लीकेशन में काम आ रही है प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्रीज फर्टिलाइजर्स एलकली हर जगह यार आपकी केमिस्ट्री काम आ रही है ठीक है अब यहाँ पे देखो यार आपको मेजर कुछ इंडस्ट्रीज बता रखी है ना जैसे आपके आ, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होती है वो एक बहुत बड़ी मेजर इंडस्ट्री है जहां पे केमिस्ट्री काम आ रही है अब यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है ये कुछ ड्रग सम ऑफ़ दीज ड्रग्स यहां पे देखिए आर सिज प्लैटिन एंड टेक्सॉल ये दो ड्रग्स आपके एनसीआरटी में दे रखे हैं विच आर इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी तो सिस् प्लेटिन और टिक्सॉल किसमें काम आता है किसमें काम आता है आपका कैंसर थेरेपी में काम आता है और एक और यहां पे ड्रग दे रखा है ए जेड टी मतलब अजाइडोमिडीन ठीक है ये कहां काम आ रहा है एड्स के पेशेंट्स में काम आता है एड्स के पेशेंट्स को काम आता है ठीक है ये चीज क्लियर है ना जो चीज मैं अंडरलाइन करते हुए चल रहा हूं यार प्लीज आप लोग अपनी एनसीआरटी में अंडरलाइन करते चलो ताकि इस वीडियो के एंड तक आपकी यार एनसीआर इस चैप्टर की खत्म हो जाए करेक्ट तो आप लोग यार मार्क करते हुए चलिएगा जो जो मैं यार आपको कराए के बताते जा रहा हूं ठीक है तो देखो सिर्स और टेक्सॉल किसके लिए कैंसर थेरेपी के लिए और एड टी अजाइडोमिडीन वो किसमें एड्स के पेशेंट्स को काम आता है ठीक है चलो ये चीज क्लियर है अब देखो यार यहाँ पे यार ये बहुत ज्यादा यार ज्ञान बता रहा है कि केमिस्ट्री यहाँ काम आती है केमिस्ट्री वहां काम आती है है ना अब देखो यहाँ पे इसने कुछ कुछ जैसे चीजें दे रखी हैं जो हम लोग आ, जैसे हम लोग यार ए सीज ए सी यूज करते हैं हम लोग यार रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं तो उसमें क्या इवॉल्व होती है क्लोरोफ्लोरोबन इवॉल्व होता है इतना हमें पता है देखो क्लोरोफ्लोरोबन इवॉल्व होता है तो क्लोरोफ्लोरोबन जो इवॉल्व होता है वो हमारी ओजोन लेयर को क्या कर रहा है डिप्लीट कर रहा है रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन इन ओजोन लेयर अच्छा ओजोन लेयर कहाँ होती है फटाक से चैट सेक्शन में बताओ एटमोस्फेयर में ओजोन लेयर कहां पे होती है कौन से रीजन में प्रेजेंट होती है देखो यहां पे दे रखा है में है में प्रेजेंट रहती कहां होती है स्ट्रेटोसफेयर में आपकी ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है और वो डिप्लीट हो रही है क्लोरो से तो यार केमिस्ट्री की हेल्प से हम ऐसे कुछ रिएजेंट्स भी निकाल रहे हैं ताकि हम लोग इस क्लोरो को रिप्लेस कर सके रिप्लेस कर सके ठीक है तो यही सारी चीजें यार इस पर्टिकुलर वीडियो में उसने बता रखी है जैसे देखो बोल रहा है एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखो राइट साइड में बोल रहा है वन सच प्रॉब्लम इज द मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस को भी यार मैनेज करना एक बड़ी एक बड़ी, बड़ी चैलेंज है है ना देखो ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी बता रखी है उसने बता रखी है मीथेन है कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है राइट तो ये सारी चीजें उसने बता रखी है करेक्ट है ना बहुत ज्यादा यार इसको दिल पे नहीं लेना है बहुत ज़्यादा इसको दिल पे नहीं लेना है इसने बस एक रफ आइडिया दे रखा है अभी हमारा मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर थोड़ी देर में स्टार्ट होगा जब वो बताएगा कि यार मोल क्या होता है और ये सारी चीजें ठीक है ये पीडीएफ यार मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा है ना ये ये टेलीग्राम चैनल पर आपको यार पी मिल जाएगा ठीक है फिर भी यार अगर आपके पास एन है तो उसे मार्क करते हुए चलिएगा क्योंकि यार अपने नोट्स से यार अपने ही होते हैं राइट है ना मैं तो अपनी तरफ से प्रोवाइड करा दूंगा लेकिन फिर भी आपके पास आपके नोट्स होने चाहिए ठीक है तो बहुत ज्यादा जो ये लिख रखा है इसको दिल पे नहीं लगाओ अभी मूल कॉन्सेप्ट चैप्टर हमारा पर्टिकुलर स्टार्ट होने वाला है अब देखो अब क्या बात कर रहा है मैटर के बारे में बात कर रहा है मैटर क्या होता है मैटर की इसने यहां पे देखो डेफिनेशन बता रखी है क्या बता रखी है एनीथिंग विच हैज मास एंड मास्यूपाइज स्पेस उसको क्या बोलते हैं मैटर बोलते है। हम से से हैं हम लोग यार चारों तरफ से मैटर से गिरे हुए हैं हम लोग चारों तरफ से मैटर से गिरे हुए हैं ये पेन मैटर है हम मैटर है जो हमारे आसपास जो एयर है वो भी क्या है मैटर है ऐसा कोई सा भी सब्सटेंस जिसका मास है और वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसको क्या बोलते हैं हम मैटर बोलते हैं हम लोग भी मैटर है ना हम लोग घिरे हुए हैं मैटर से अब मैटर को इसने ब्रॉडली तीन कैटेगरी में डिवाइड करा है फिजिकल स्टेट के हिसाब से किस किस में ऑब्वियसली सॉलिड में लिक्विड में और गैस में सही है हमें पता है सॉलिड्स में क्या होते हैं पार्टिकल्स बहुत क्लोज टू अदर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम सॉलिड्स बोलते हैं ठीक है लिक्विड्स में लिक्विड्स में क्लोज तो होते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इनके बीच में मूवमेंट रहता है सॉलिड में मूवमेंट नहीं होता है सॉलिड में क्या होता है जो पार्टिकल्स होते हैं अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं बस है ना मूव नहीं करते हैं लेकिन लिक्विड में वो फ्रीली फिर भी थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं और गैस तो बोल रहा है भैया हमारे को तो टेंशन ही नहीं है भन्नाट घूमो है ना खूब सारा घूमो गैस में क्या बोल रहा है द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एज कंपेयर टू प्रेजेंट इन सॉलिड और लिक्विड और बढ़िया तरीके से उनका मूवमेंट रहता है मूवमेंट इज ईजी एंड फास्ट सही बात है ये सारी चीजें हमें पता है यार है ना देखो क्या बोल रहा है सॉलिड का क्या रहता है डेफिनेट वॉल्यूम रहता है और डेफिनेट शेप भी रहता है सही बात है जैसे ये देखो यार ये पेन है ये क्या है सॉलिड है है ना तो इसकी कुछ ना कुछ क्या है डेफिनेट शेप है ना यार एक शेप का है एक आकार है उसका कुछ ना कुछ और इसकी एक कुछ ना कुछ डेफिनेट वॉल्यूम है अगर मैं इसको इधर हाथ पे रख दूं तो एक डेफिनेट वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है ऐसे ही सिमिलरली मैं इस पेन को मान लो मेरे टेबल पे रख देता हूं तो भी यार ये एक डेफिनेट वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है इसकी एक फिक्सड वॉल्यूम है और फिक्सड शेप है राइट अच्छा लिक्विड का लिक्विड का उधर यह डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है वॉल्यूम उसका डेफिनेट है लेकिन उसका शेप डेफिनेट नहीं होता है मतलब यार अगर आप एक लीटर पानी को जग में डालो तो वो जग की शेप ऑक्यूपाई कर लेगा और उसी एक लीटर पानी को बॉटल में डालो तो वो बॉटल की शेप ऑक्यूपाई कर लेगा पर वॉल्यूम तो फिक्स है ना एक लीटर एक लीटर लेकिन शेप उसकी हो जाएगी जिस भी आप उसको कंटेनर में डालोगे उसकी वो शेप ऑक्यूपाई कर लेगा ठीक है अच्छा उधर ही हम बात करें गैस की तो गैस तो भैया बोल रहा है कि नाई नीदर वॉल्यूम हमारी डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होती है और डेफिनेट शेप भी नहीं होती है गैस की ये चीज यार इंपॉर्टेंट है, है सॉलिड से अगर लिक्विड कन्वर्ट करना है और फिर गैस कन्वर्ट करना है हमको आता भी है सॉलिड को हीट करते जाओ तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में लिक्विड को और ज्यादा हीट करते जाओ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा गैस में गैस को ठंडा करो लिक्विड में जाएगा लिक्विड को ठंडा करो और भी ज्यादा तो सॉलिड में चले जाएगा क्लियर है क्लियर है राइट right, है ना ये बहुत सारी बेसिक सी चीजें हैं ये तो हमने यार नवी दसवीं कक्षा में ही पढ़ पढ़ ली होती है ना ये कुछ बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है बहुत आसान चीजें हैं ये ठीक है चलो अब कर रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मैटर को भी क्लासिफाई कर रहा है देखो अब कैसे क्लासिफाई कर रहा है ये समझो मैटर को ये ब्रॉडली दो तरीके से पहले क्लासिफाई करता है किस किस में मैटर को क्लासिफाई करता है मिक्सचर में या फिर प्योर सब्सटेंस में अब देखो मिक्सचर को क्या बोल रहा है अब मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस विच मे बी प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशियो मिक्सचर को क्या बोल रहा है एक तरीके का दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस जब आते हैं और मिक्स करते हैं है ना उसको हम क्या बोल रहे हैं मिक्सचर बोल रहे हैं मिक्सचर को भी ये ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा है मिक्सचर हो सकता है होमोजीनियस हो सकता है और हिट्रोजीनियस हो सकता है अभी देखना मैं एक बार चार्ट बना दूंगा आपको पहले सुन लो है ना होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसके कॉम्पोनेंट कंप्लीटली मिक्स कर जाते हैं एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स कर जाते हैं एक दूसरे के साथ और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं थ्रू आउट तो ऐसे टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं होमोजीनियस जो कि मस्त घुल मिल गए और एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए जैसे आपका देखो एग्जाम्पल दिखा रहा है शुगर सोल्यूशन uh, जैसे आपने चीनी ली और आपने क्या कर दिया पानी में डाला और उसे मस्त घोल दिया तो वो क्या यूनिफॉर्म सोल्यूशन बन जाता है जैसे आपने क्या करो एक चम्मच चीनी लेना ना ये इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना एक चम्मच चीनी लेना और उसको आप पानी में डालना एक ग्लास में पूरा मिक्स कर देना ऐसे मिक्स करना है कि एक भी नीचे चीनी का दाना नहीं बचे पूरा मिक्स हो गया फिर क्या करना आप, आप वो जो सॉल्यूशन है उसको ऊपर से पी के देखना ना एक चम्मच लेना ऊपर से पी के देखना और एक बार उसको उसका जो नीचे का हिस्सा है जो ग्लास के जो नीचे का हिस्सा होगा वहां से पी के देखना आप देखोगे तो यार टेस्ट टेस्ट क्या रहेगा रहेगा सेम सेम रहे क्यों है टेस्ट सेम? क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चीनी पानी दोनों के दोनों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए हैं थ्रू आउट द सोल्यूशन तो इट इज फॉर्मिंग अ होमोजीनियस सोल्यूशन और उधर यार हीट्रोजीनियस क्या होता है हीट्रोजीनियस सोल्यूशन में या मिक्सचर क्या होता है जो आपका यूनिफॉर्म नहीं रहता इट इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट ठीक है और उसको आप उसके यार कई बार डिफरेंट कंपोनेंट्स आर विजिबल उसके कंपोनेंट्स विजिबल भी रहते हैं जैसे आप क्या जैसे क्या बोल रहा है देखो सॉल्ट और शुगर सॉल्ट और शुगर उन दोनों को आप मिक्स करके देखो तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि हाँ यार ये चीनी के दाने हैं और ये आपके सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं राइट right? तो आप उन्हें ऐसे क्लियरली देख सकते हो तो इट इज फॉर्मिंग अ हीट्रोजीनियस मिक्सचर ठीक है अब यहां पे देखो एक एक इंपॉर्टेंट बात बोल रखी है देखो खुद भी बोल रहा है इट इज वर्थ वाइल टू मेंशन है ना जहां पे भी एनसीईआरटी ये बोल दे ना, कि mention, तो उसे वैली कर देना मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाई यूजिंग फिजिकल मेथड्स आप एक मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो यूजिंग फिजिकल मेथड्स सच एज सिंपल पिकिंग या फिर फिल्ट्रेशन क्रिस्टलाइजेशन या फिर डिस्टिलेशन ठीक है इसको यार नोट कर लेना इसको नोट कर लेना लेनाइट क्लियर right? <coughs> है ये चीज क्लियर है तो ये मिक्सचर की बात करी अब देखो इसने मैटर को क्लासिफाई कैसे करा जैसे देखो मैं मैं अगर आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये क्या बोल रहा है ये मैटर है देखो यहां पे मैटर है ये आपका एनसीआरटी में देखो बनावा भी है, है ना इसने क्या बोला कि दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं मैटर को मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस ठीक है अच्छा मिक्सचर को इसने दो कैटेगरी में बांट दिया कौन कौन सा होमोजीनियस यहां पे मैं सिर्फ होमो लिख रहा हूं होमोजीनियस एंड हीट्रोजीनियस ठीक है अब प्योर सब्सटेंस को भी ये दो कैटेगरी में बांटेगा देखो नेक्स्ट पेज में मैंने बता रखा है प्योर सब्सटेंस को भी देखो ये दो कैटेगरी में बांट रहा है प्योर सब्सटेंस को भी ये दो कैटेगरी में बांट रहा है देखो, देखो, देखो प्योर सब्सटेंस को भी ये दो कैटेगरी में बांटता है देखो अभी दिखाएगा ये ना एक सेकेंड प्योर सब्सटेंस सब्सटेंस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एलिमेंट्स एंड कंपाउंड तो प्योर को ये अगेन दो कैटेगरी में बांट रहा है यहां पे अगर हम लिखना चाहें तो किस किस में एलिमेंट में और कंपाउंड में आ रही है बात समझ में अब एलिमेंट और कंपाउंड क्या है ये मैं अभी आपको बता रहा हूं है ना लेकिन ब्रॉडली ऐसे तरीके से उसने डिवाइड कर रखा है मैटर को अब देखो आप यहां देखो यहां देखो अब इसने ये समझा रखा है कि यार एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है देखो बोल रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ओनली ऑफ वन टाइप ऑफ एटम सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के एटम्स होंगे तो वो क्या कहलाएगा एलिमेंट कहलाएगा जैसे देखो जैसे देखिए जैसे देखिए एलिमेंट में बोल रहा है सुनना है ना ध्यान से जैसे आपका सोडियम क्या ये एलिमेंट है बिल्कुल है सोडियम 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 अगर मैं इसका लैटिस बनाना चाहू क्रिस्टल लैटिस बनाना चाहूं तो आपका ये क्या हो जाएगा सोडियम 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 सिर्फ और सिर्फ सोडियम है इसमें सिर्फ और सिर्फ वन टाइप ऑफ एटम है तो ये क्या हो गया एलिमेंट हो गया जैसे आपका ओ टू क्या ये भी आपका एलिमेंट है हाँ क्यों क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट है ऑक्सीजन प्रेजेंट है सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट है इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है कोई सा और दूसरा एटम नहीं आया है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है ओ किससे बना हुआ है दो ऑक्सीजन के एटम से ही तो बना हुआ है ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट तो ये भी एलिमेंट है ऐसे ही मैं बात करूं ओ क्या ये भी एलिमेंट है हाइट तो आपका एलिमेंट एटम uh, uh, भी हो सकता है मॉलिक्यूल भी हो सकता है बस शर्त क्या है एक टाइप ऑफ एटम्स हो ओ टू हो ओ थ्री हो एच टू हो जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो तो ये क्या है आपका एलिमेंट फॉर्म है ये क्या है आपका एलिमेंट फॉर्म है ठीक है ठीक है अब जैसे कंपाउंड क्या होता है वो जैसे आगे बताएगा जैसे देखो यही सारी चीजें चीजें दे रखी हैं यही सारी चीजें दे रखी है देखो एटम्स एटमने दिखा रखे हैं अलग अलग अब जैसे दो आपके एटम आए हाइड्रोजन के है ना कंबाइन करके क्या बना दिया एक मॉलिक्यूल बना दिया एच का ऐसे ही इसने ओ बना रखा है बस इस पे इसमें ज्यादा दिल लगाने की जरूरत नहीं है इतना सा ही उसने बता रखा है एटम और आ, क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल को समझा रखा है इसने इन पैराग्राफ में ठीक है अब देखो कंपाउंड क्या बोल रहा है आगे बता रहा है कंपाउंड अब देखो कंपाउंड क्या बोल रहा है वेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टूगेदर इन डेफिनेट रेशियो द मोलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज ओपटेन्ड तो देखो कंपाउंड किसे बोल रहा है अभी कंपाउंड बोल रहा है जब दो या फिर दो से अधिक एटम्स आते हैं और कंबाइन कर जाते हैं और मॉलिक्यूल बना लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कंपाउंड बोलते हैं जैसे देखो एच टू एक दो हाइड्रोजन आए है और एक ऑक्सीजन आए तो एटम क्या है अलग अलग है तो ये क्या है एक आपका कंपाउंड है जैसे आपका एन ए टू सीओ थ्री तो इसमें कार्बन भी है ऑक्सीजन भी, भी है अलग अलग एटम्स आ रहे हैं तो ये क्या है आपका एक कंपाउंड है एलिमेंट में क्या था सेम टाइप ऑफ एटम्स से कंपाउंड में क्या है अलग अलग टाइप ऑफ एटम्स हो सकते हैं आपके क्या ये चीज क्लियर हुई है हा या ना एक बार हम सब दे दो चार्ट सेक्शन में बताइए क्या यहां तक चीज क्लियर हुई है यस यस बताइए हाँ या ना बताइए एक बार थम्सअप दे दीजिए आगे बढ़े चलो आगे बढ़ते हैं ना अब यही सारी चीजें इसने पे समझा रखी है यही सारी इसने चीजें यहां पे समझा रखी है जैसे देखो बोल रहा है कि यार जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें कौन है दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन आइटम है तो अलग अलग आइटम्स हो गए तो ये क्या हो गया कंपाउंड हो गया ऐसे ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड है दो उसमें ऑक्सीजन ऐटम है और उसमें एक कार्बन आइटम है तो ये भी क्या हो गया आपका कंपाउंड हो गया यही सारी बातें कर रहा है इसमें यही सारी बातें कर रहा है यही सारी बातें कर रहा है क्लियर चलिए ग्रेट बहुत सही बहुत सही आगे बढ़ते हैं ना आगे बढ़ते हैं चलो अब आ जाओ इसमें अब यार क्या बोल रहा है यार फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है मैटर की यार फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज के देखो यार आपको एग्जाम्पल दिखा रखा है जैसे आपका कलर क्या है ओडोर क्या है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी ये सब क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज है केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कि यार क्या कॉम्पोजिशन है अंदर से कैसा कॉम्पोजिशन है उसका उसकी क्या कंबस्टेबिलिटी है उसकी क्या रिएक्टिविटी है है ना है ना ये सारी चीजें दे रखी है अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या बोल रहा है देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस ये बिल्कुल यार सही बात है अगर यार आपको पानी का देखो अगर आपको पानी का मान लो बॉइलिंग पॉइंट जानना है बॉइलिंग पॉइंट क्या है एक फिजिकल प्रॉपर्टी तो आपको इस पानी को तोड़ने की जरूरत नहीं है आपको इस पानी के साथ रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं है आपको बस इसको बॉइल करना है तो विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी या फिर कॉम्पोजिशन हम फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर कर सकते हैं लेकिन यार अगर हमें यह समझना है कि यार एच का कॉम्पोजिशन क्या है अब कॉम्पोजिशन क्या है एक केमिकल प्रॉपर्टी है कि यार जो पानी है हमारा वो किस किस से बना हुआ है कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स हैं तो यार हमें इन्हें तोड़ना पड़ेगा तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज अगर आपको ऑब्जर्व करनी है वो आपको केमिकल अ चेंज टू अकर उसमें आपको यार कुछ ना कुछ केमिकल चेंज करना पड़ेगा तब जाके आप उसे ऑब्जर्व कर पाओगे फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई भी दिक्कत नहीं है फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई भी दिक्कत नहीं है ठीक है आप उनका विदाउट अ चेंजिंग आइडेंटिटी मेजर कर सकते हो केमिकल प्रॉपर्टी में हमें उनकी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ती है अब जो यार आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें देखो यार बोल रहा है कि दो तरीके के सिस्टम हैं इंग्लिश सिस्टम है और मेट्रिक सिस्टम है है ना अगेन है ना बहुत सुपरफिशियल ऐसी ऊपर ऊपर से बातें कर रखी हैं बहुत ज्यादा दिल पे नहीं है लगा उसे है ना हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आगे आगे क्या बोल रहा है देखो है ना अभी हमारा मोल कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होगा थोड़ी देर में अच्छा देखो ये ऐसा सिस्टम है ऐसा सिस्टम यार हमें पता है थोड़ा बहुत है ना ऐसा सिस्टम हमें थोड़ा बहुत पता है आपकी सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं ना कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जैसे देखो ये रहा ये दे रखा है दीज यूनिट्स टू द सेवन फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं ये ध्यान रखनी है हमें ध्यान होगी भी यार आपको लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करेंट थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये इनके क्या है सिंबल है और ये इनके क्या है एसआई आई यूनिट है ये इसका सिंबल हो जाएगा और ये इसका एस आई यूनिट हो जाएगा कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज है सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज क्लियर सही है ठीक है यार ये हमें ध्यान भी होगा और ठीक है ना एक बार हमें ये चीज का हमें आइडिया भी है और देखो अच्छा ये सारी चीजें तो ये सारी चीजें यार हम लोगों को याद रखनी है अब देखो यार हम लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं ये जो यार ये वीडियो देख रहे होंगे यार ये नीट नीट 2022 को टारगेट कर रहे होंगे या फिर यार हमारे छोटे छोटे नन्हे बालक होंगे 2023 को टारगेट कर रहे होंगे है ना मेजरली ये वाला बच्चा यार आपका इस वीडियो को देख रहा होगा है ना राइट right? तो यार हमारे पास समय बहुत है यार मेरी बात सुनो यार हमारे पास समय बहुत है तो पहली बात तो ये कि यार ये क्वेश्चन छोड़ दो कैन आई स्कोर 150 मार्क्स कैन आई स्कोर 160 मार्क्स तो डेफिनेटली यू कैन हमारे पास बहुत समय है 160 क्या यार 170 175 तक यार मार्क्स लेके आएंगे हम लोग है ना हमारे पास पूरा साल है जम के मेहनत करेंगे दोनों आप लोग और मैं भी है ना तो मेजोरिटी बच्चा यार हमारे पास ये वाला होगा जो 22 को टारगेट कर रहा होगा या फिर 23 को टारगेट कर रहा होगा तो यार वो अब एकदम मैक्सिमम तरीके से यार पढ़ाई करें वो ये यार कंजूसी नहीं करनी है हमको है है ना कंजूसी नहीं करनी है। तो मतलब ये अगर मैं बोल रहा हूं कि यार ये चीज याद रखनी है ये चीज टेबल याद रखनी है तो उसको यार याद रखो अब हमारे पास ऐसा नहीं है कि यार एक ही महीना बचा है तो हम यार इसको अवॉइड करें नहीं हमारे पास खूब समय है यार तो हम लोग भी अच्छे से डिटेल में पढ़ाई करेंगे तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है स्टेबल को ये जो आप प्रिफेक्स यूज करते हैं ये हमें ध्यान रखना है ठीक है जैसे गीगा कब यूज करते हैं टेन टू दाइन के लिए यूज करते हैं तो हमें पता होना चाहिए जैसे मीटर मीटर होता 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 है 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 राइट तो तो वो क्या टू तो ये चीजें हमको यार याद करते हुए चलनी है ऑल राइट ये चीजें हमको याद करते हुए चलनी है कोई यार समय की बाउंडेशन नहीं है ना हमको ढंग से स्टार्टिंग से यार वो बच्चा बनना है जो बहुत अच्छी प्रिपेरेशन करे ठीक है Clear है तो इस चीज को को यार टेबल को आपको याद रखना है याद करोगे या नहीं करोगे चलो भैया दो यार एक बार को अच्छे से डिटेल में सारी चीज बढ़िया तरीके से ठीक है चलो ऑल राइट right. अब आ जाओ अब देखो मास और वेट बोल रहा है है ना मास और वेट की बात कर रहा है हमें यार, यार ये बेसिक सा डिफिनेशन पता है फिजिक्स को भी अगर हम थोड़ा बहुत रिलेट करें तो मास क्या रहता है मास रहता है कि यार अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट है ना और वहीं पे ही वेट क्या आ जाता है वेट तो यार फोर्स होता है जो आपकी ग्रेविटी लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे है ना मतलब मास हो गया जैसे साठ किलो है ना जैसे आपका जो मास है है ना वो था हो गया सिक्सटी के हो गया लेकिन जो वेट रहता है लेकिन जो वेट रहता है वो क्या रहता है बेसिकली है ना या फिर 10 लेना तो ये क्या हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा आपका आ, वेट हो जाएगा तो मास और वेट में बेसिक डिफरेंस रहता है इन केमिस्ट्री बात सुन लो यहां पे है ना इन केमिस्ट्री ये तो फिजिक्स की बातें हो गई मास और वेट की केमिस्ट्री मास इक्वल्स टू वेट हमारे लिए केमिस्ट्री में मास और वेट क्या है बराबर है अभी थोड़ी देर बाद कुछ चीज़ों को मैं बोलूँगा मोलिकुलर मास और कुछ को मैं बोलूंगा मॉलिकुलर वेट एक ही बात है हमारे लिए अटोमिक मास या अटोमिक वेट एक ही बात है है ना फिजिक्स में हम नहीं जाएंगे हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी ठीक है केमिस्ट्री में आ, मास और वेट सेम है फिजिक्स में अलग अलग होता है वो फिजिक्स में करेंगे ऑल right? चल चलो और देखो

क्या रहती है ऐसा यूनिट रहती है वॉल्यूम की मीटर क्यूब क्या रहती है मीटर क्यूब अब देखो एक रिलेशन लिख देता हूं मैं यहां पे यार कि वन मीटर क्यूब इक्वल्स टू थाउजेंड लीटर इक्वल्स टू थाउजेंड डेसीमीटर क्यूब ठीक है ठीक है ऐसा कुछ ये ये एक रिलेशन लिख दो और ये देखो ये तो लिख ही रखा है वन लीटर इक्वल्स टू थाउजेंड एम एल या फिर थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब या फिर वन डेसीमीटर क्यूब मतलब इतना इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो एक लीटर है वो किसके बराबर है एक डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है और जो एक एम है वो किसके बराबर है एक सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है ये चीजें हमें पता होनी चाहिए ना तभी तो बेसिक्स क्लियर होंगे तभी तो बेसिक्स क्लियर होंगे ये आप लोग अपने ही एनसीआरटी में ही लिख लो एनसीआरटी में ही लिख लो ठीक है

वॉल्यूम के क्या होता है मीटर क्यूब तो क्या हो गया के जी पर मीटर क्यूब के जी पर मीटर क्यूब क्लियर है ठीक है सही है है ना और एक चीज और हमें पता है जो वेपर वेपर डेंसिटी डेंसिटी होती होती है होती है वो क्या होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर मास बाय टू मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वो भी थोड़ी देर में आ जाएगा क्लियर चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं यार आगे बढ़ते हैं टेम्परेचर अब टेम्परेचर क्या है यार टेम्परेचर बताता है कि एक है यार एक बॉडी कितनी गर्म है या फिर कितनी ठंडी है टेम्परेचर क्या बताता है टेम्परेचर इज यहां पे चाहो तो लिख लो आप लोग इट इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी एक बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है यह बताता है आपको टेम्परेचर टेम्परेचर के कितने स्केल्स तीन डिग्री सेल्सियस आ, आपका फेरेनाइट और केलविन तीनों का रिलेशन लिख दू यहां पे तीनों का रिलेशन लिख रहा हूं देखो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस है ना तीनों का रिलेशन लिख रहा हूं यहां पे ध्यान से देख रहा माइनस जीरो अपॉन हंड्रेड इक्वल्स टू टेम्परेचर इन फेरेनाइट माइनस थर्टी टू अपॉन वन इक्वल्स टू टेम्परेचर इन केलिविन माइनस टू सेवेंटी थ्री अपॉन हंड्रेड है ना बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि मैं डिग्री सेल्सियस को फेरेनाइट में कैसे कंपेयर करूं कैसे कन्वर्ट करूं तो ये रहा भैया रिलेशन तीनों का रिलेशन डिग्री सेल्सियस का भी लिख दिया है फेरेनाइट का भी लिख दिया है केलिविन का भी लिख दिया जिसको जिसमें कन्वर्ट करना है कर लेना जिसको जिसमें कन्वर्ट करना है कर लेना ये लिख लो अपनी एनसीआरटी में यह लिख लो अपनी एनसीआरटी में ठीक है ये रिलेशन है बिटवीन योर थ्री स्केल्स ऑफ टेम्परेचर चलो भैया ये चीज समझ में आ गई है ना अब यही सारी चीज इसने एनसीआरटी में बता रखी है जो मैंने एक आपको डब्बे में लिख के समझा दिया है ऐसा ही यूनिट क्या रहता है टेम्परेचर का ऐसा ही यूनिट क्या रहता है टेम्परेचर का केल्विन रहता है ऐसा ही यूनिट क्या रहता है केल्विन रहता है तो यार केमिस्ट्री में हम लोग सारी जगह पे टेम्परेचर केल्विन में ही निकालते हैं सारी जगह पे हम लोग टेम्परेचर के केल्विन में ही निकालते हैं ऑल चलो अब आ जाओ साइंटिफिक नोटेशन अब देखो हम लोग यार केमिस्ट्री में जो चीजें डील कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं बहुत छोटी छोटी चीजें डील करते हैं जैसे हम लोग यार एटम्स के बारे में डील करते हैं हम लोग के मॉलिक्यूल्स बारे में डील करते हैं तो इनका जो इनकी जो क्वांटिटी होती है इनकी जो गिनती होती है इनका जो नंबर होता है वो बहुत बड़ा होता है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ा साइंटिफिक नोटेशन लेके आना पड़ा यार एक बहुत बड़े नंबर को एक छोटे तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकूं जैसे देखो यहां पे दे रखा है इसने यहां पे दे रखा है 232.508 तो यार इसको हमें एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में तो कैसे करोगे यार आप लोग कैसे करोगे साइंटिफिक नोटेशन मतलब होता है कि यार एक है ये जो नंबर देखो टू है ना इसके बाद बादल होना चाहिए मतलब इट शुड बी 2.32508 और इनटू 10 टू द पावर टू मतलब साइंटिफिक नोटेशन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो इट मीन आपको कन्वर्ट करना है ए इंटू एन टू में एग्जिस्ट करना पावर बी मतलब के फॉर्म में हमें उसे करना है ठीक है तो देखो 232.508 था तो मैंने उसे कैसे लिख दिया 2.32508 पॉइंट थ्री टू फाइव जीरो पावर टू तो मतलब ये क्या हो गया आपका ए इन टू टेन टू द पावर यह क्या हो गया बी हो गया ऐसे करते हैं अब ऐसे ही देखो इसने एक और एग्जाम्पल दे रखा है तो मुझे क्या करना है ये जो 1 है आपका इसके बाद डेसिमल होना चाहिए इसके बाद डेसिमल होना चाहिए है ना तो करो कैसे करोगे जैसे देखो ये से लिख दो वन पॉइंट सिक्स लिख दो इन टू टेन टू द पावर अब देखो कितनी आपने डेसिमल चीजें करी है? एक दो तीन चार डेसिमल को आपने चार पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट कराया तो इट इज पावर माइनस फोर टेन टू द पावर माइनस फोर तो देखो ये हो गया ये क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ये माइनस फोर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ही क्या है ए इंटू टेन टू द पावर बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना इज वर्ट साइंटिफिक नोटेशन ठीक है अब देखो इसने बता रखा है कि यार साइंटिफिक नोटेशन में मल्टीप्लीकेशन कैसे करें यार ये बहुत आसान सी चीजें हैं एक बार ये आप देख लीजिए देखो अब मल्टीप्लाई हमें करना है साइंटिफिक नोटेशन में साइंटिफिक नोटेशन में मल्टीप्लाई करना है तो कुछ नहीं जैसे फाइव पॉइंट सिक्स इंटू टेंस पॉइंट नाइन इंटू टें पावर एट तो क्या करो इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर दो देखो ये मल्टीप्लाई कर दिया और पावर क्या हो जाती हैं ये फाइव और एट पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं तो फाइव प्लस एट क्या हो गया 30 हो गया अब देखो ये क्या बना था 38.64 10 to the power 13 बना था तो हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट uh, करते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको हम लिखेंगे 3.864 मतलब पहले डिजिट के बाद ही डेसिमल आना चाहिए है ना तो इसको क्या लिखेंगे 3.864 10 to the power 14 लिख दिया 14 क्लियर तो ये लिख दिया इसने अब ये क्या कर रहा है देखो ये फिर इसने मल्टीप्लाई करा और देखो अब इसमें क्या कर रहा है टू पॉइंट सेवन डिवाइडेड बाय फाइव पॉइंट फाइव अब देखो जो आपकी पावर्स हैं डिवीजन में क्या होती हैं सब्ट्रैक्शन डिवीजन में क्या होता है सब्ट्रैक्शन ये सारी चीजें हम लोगों को पता है ये हम लोग बहुत बार अप्लाई भी कर चुके हैं और मल्टीप्लीकेशन में चीजें एड होती हैं अच्छा अब अगर मान लो एडिशन और सब्ट्रेक्शन करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो आपको जो ये एक्सपोनेंट है एक्सपोनेंट है उनको आपको सेम रखना पड़ता है कैसे जैसे देखो 6.65 सिक्स इंटू टेन टू पे कितना इन दोनों को सेम करो तो देखो इसने चार चार कर दिया एक्सप्रेस करने में चार चार कर दिया अब इसने क्या कर दिया इन दोनों चीजों को एड कर दिया और एक्सपोनेंट एज इज आ जाता है टेन टू 6.65 पॉइंट को ऐड कर दिया और एक्सपोनेंट कितना हो गया 10 टू पावर 4 तो आपको जब ऐड या फिर सब करोगे तो आपको क्या करना है एक्सपोनेंट सेम रखना है एक्सपोनेंट सेम रखना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ऑल क्लियर यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं बहुत आसान सी चीजें यार ये बहुत बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है क्लियर है, है? बताइए यहां तक कोई भी समस्या नहीं है आगे बढ़ जाए क्लियर चलो आ जाओ सिग्निफिकेंट फिगर्स अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की यार बात कर रहा है वैसे तो आप इसे यार बहुत ज्यादा डिटेल में फिजिक्स में पढ़ते हो सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेकिन फिर भी यार अभी जितना एनसीआरटी में मैंशन है अपन उतना पढ़ लेते हैं देखो क्या बोल रहा है कोई सा भी यार आपका जो एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है कोई सा भी एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होती है अनसर्टेनिटी होती है अब अनसर्टेनिटी क्यों आ सकती है क्योंकि यार देखो जो भी आप इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हो चीजें उसमें कुछ ना कुछ एरर हो सकती है आपका जो स्किल है जो इंसान मेजर कर रहा है वो भी यार कुछ ना कुछ एरर कर सकता है तो कुछ ना कुछ क्या आ जाती है अनसर्टेनिटी आ जाती है उसी अनसर्टेनिटी को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर से डिफाइन करते हैं देखो यही बोल रहा है देखो द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल और द कैलकुलेटेड वैल्यूज इज इंडिकेटेड बाय मैंशनिंग द नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं मीनिंगफुल डिजिट्स, विच आर नोन सर्टेनिटी प्लस वन विच इज एस्टिमेटेड और अनसर्टेन मतलब आपके सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं जैसे देखिए है यहां पे, देखो देखो यहां पे। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है कहा गया हमारा पेन एक सेकेंड हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर ये होता है आपके सर्टेन डिजिट प्लस वन अनसर्टेन डिजिट मतलब इसके लास्ट जो डिजिट होता है ये जो आपका अनसर्टेन डिजिट होता है ना ये आपका होता है लास्ट डिजिट इसके बारे में यार हमें सर्टेनिटी नहीं होती है इसके बारे में यार हमें श्योरिटी नहीं है इसमें मतलब कुछ ना कुछ एरर हो सकता है इसमें मतलब कुछ ना कुछ एरर हो सकता है जैसे देखो एग्जाम्पल दिखा रहा है कोई बोल रहा है इलेवन पॉइंट टू मिलीलीटर तो इसमें इलेवन ये, ये क्या है आपके सर्टेन है कि यार हमें ये तो पक्की बात है कि ग्यारह एम एल तो है ही है अब ये जो ये टू है ये क्या है आपका अनसर्टेन क्योंकि ये क्या है लास्ट डिजिट है इसके में यार कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है यार ये टू आपका वन भी हो सकता है थ्री भी हो सकता है कुछ कुछ अनसर्टेन है इसके बारे में इसके बारे में हम श्योर नहीं है और ये क्या होता है आपका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है सर्टेन डिजिट प्लस लास्ट वाला जो रहता है वो क्या रहता है अनसर्टेन रहता है अनसर्टेन Un रहता है ठीक है आर यह बात समझ में अब देखो आपको सिग्निफिकेंट निकाल फिगर्स निकालने के कुछ ना कुछ रूल्स हैं देखो क्या क्या रूल्स बता रहा है अब ध्यान से सुनना है रूल्स है ना ध्यान से सुनिएगा क्या रूल्स हैं आपके जो भी नॉन जीरो डिजिट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे सिग्निफिकेंट रहेंगे मतलब जैसे देखो 285 है कोई भी जीरो नहीं है कोई भी जीरो नहीं है तो इसमें कितने हो गए तीन सिग्निफिकेंट फिगर हुए गए टू भी सिग्निफिकेंट है एट भी है फाइव भी है है ना जीरो पॉइंट एट फाइव तो इसमें कितने हैं जीरो को छोड़ो टू और फाइव तो आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए टू सिग्निफिकेंट फिगर्स सारा का सारा खेल सिग्निफिकेंट फिगर्स में पता है कहां पर आता है जीरो पे आता है भैया सारा किस पे आता है जीरो पे आता है नॉन जीरो तो क्या होते हैं नॉन जीरो तो क्या होते हैं सिग्निफिकेंट ही रहते हैं जीरो में यार थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है देखो देखो मैं आपको एकदम प्यार से बढ़िया तरीके से समझा देता हूं जीरो का है ना बहुत बहुत आसान है है ना बहुत आसान है ये जो जीरो है ना जीरो इनको आप तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दो ये सारे के सारे रूल्स फड़जीवाड़ा हटा हटाओने ना जो मैं लिख रहा हूं उसे आप लोग समझ लोगे ना बड़े शानदार तरीके से आपके दिमाग में फीड हो जाएंगी ये देखो जीरोस की अगर मैं बात करूं तो जितने भी प्रीसीडिंग जीरोज हैं जितने भी प्रिसीडिंग जीरोज हैं जो पहले के जीरो रहेंगे आर नॉन सिग्निफिकेंट आर नॉन सिग्नेफिकेंट मैं आपको एग्जाम्पल लेते हुए चलूंगा जैसे एग्जाम्पल हम लोग एनसीआरटी वाले उठाते हैं जो ये बोल रहा है जीरो पॉइंट जीरो थ्री देखो ये क्या प्रिसीडिंग वाले दिख रहे हैं पहले वाले जीरो जीरो हैं। वो हमेशा क्या रहेंगे नॉन सिग्निफिकेंट तो ये भी नॉन सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करना ये भी नॉन सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करा थ्री थ्री तो यार नॉन जीरो है ये क्या है सिग्निफिकेंट है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए एक सिग्निफिकेंट फिगर ठीक है और एग्जांपल देखो जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव टू प्रिसीडिंग है नहीं काउंट करना ये भी प्रिसीडिंग नहीं काउंट करना ये भी काउंट नहीं करना अच्छा ये काउंट करेंगे ये भी काउंट करेंगे कितने आ गए दो सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए दो सिग्निफिकेंट फिगर तो प्रिसीडिंग जीरोज क्या रहेंगे हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट ये चीज क्लियर हुई है और देखो अब दूसरी कैटेगरी में बोल रहा हूं इन बिटवीन जीरोज इन बिटवीन जीरोज आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट इन बिटवीन जो बीच में फंसे हुए जीरो रहेंगे वो हमेशा क्या रहेंगे सिग्निफिकेंट रहेंगे है? क्या ये बीच में फंसे हुए बिल्कुल तो ये भी क्या रहेंगे सिग्निफिकेंट ये भी सिग्निफिकेंट ये भी सिग्निफिकेंट अच्छा फाइव तो सिग्निफिकेंट है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुआ है फोर सिग्निफिकेंट फिगर क्या ये चीज क्लियर हो रही है बताइए क्या ये चीज क्लियर हो रही है है ना लास्ट का जो कैटेगरी है लास्ट का जो कैटेगरी है इसको मैं बोलता हूं एंडिंग जीरो मतलब जो एंड में जीरो आने वाले हैं एंडिंग कौन से हैं जो एंडिंग जीरोज हैं जो एंड में जीरो आने वाले हैं अब देखना अब देखना इसमें अब देखना है इसमें इसमें आपकी एंडिंग जीरोस में दो कैटेगरी में डिवाइड कर लो आप दो कैटेगरी में इस एंडिंग जीरोस को भी डिवाइड कर लीजिए है ना या नेक्स्ट पेज पे सर चलो एंडिंग मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिख के बताता हूं यहां पे लिख के बताता हूं एंडिंग आपको नेक्स्ट पेज पे लिख के बताता हूं देखिए इफ डेसिमल इज प्रेजेंट अगर डेसिमल प्रेजेंट है देन सिग्निफिकेंट फिर क्या है वो सिग्निफिकेंट है अगर डेसिमल प्रेजेंट है तो इफ डेसिमल नॉट प्रेजेंट अगर डेसिमल प्रेजेंट नहीं है देन नॉन सिग्निफिकेंट देन नॉन सिग्निफिकेंट देखो अभी एग्जाम्पल कराता हूं एंडिंग जीरोस की बात हो रही है एंडिंग जीरोस की बात हो रही है जैसे आ जाओ आप लोग एनसीआरटी में ही जो एग्जाम्पल दे रखा है वो ले लेते हैं वो ले लेते हैं जैसे देखो क्या है जीरो पॉइंट टू जीरो जीरो दे रहा है ये दे रहा है अब बताओ जरा चैट सेक्शन में बताओ कितने हैं आपके सेक्शन में बताइए हाँ इसी क्लास में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा बिल्कुल बताइए बताइए कितने सिग्निफिकेंट है सोचो 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 देखो ये तो प्रिसीडिंग है टाटा बाय ये नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट अब ये दोनों क्या है एंडिंग जीरो है और अगर डेसिमल रहेगा तो वो सिग्निफिकेंट रहेंगे डेसिमल रहेगा तो वो सिग्निफिकेंट रहेंगे तो ये भी ये भी तो कितने आ गए तीन सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए तीन सिग्निफिकेंट फिगर उधर ही अगर दे रखा है वन जीरो जीरो अब बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है अब बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो है अब ये दोनों के दोनों क्या एंडिंग जीरो दिख रहे हैं बिल्कुल आपको कोई डेसिमल दिख रहा है क्या उसमें नहीं देखो इफ मैंने आपको क्या सिखाया है उस चीज को देखो इफ डेसिमल नॉट प्रेजेंट देन नॉन सिग्निफिकेंट तो डेसिमल प्रेजेंट नहीं है तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है काउंट नहीं करेंगे तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आएगा एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आएगा डेसिमल नहीं है ना यार डेसिमल नहीं है अच्छा ये अब ये बताओ जरा वन जीरो जीरो पॉइंट जीरो बताओ तो देखो अब बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है फटाक से चैट सेक्शन में बताइए फटाक से बताइए देखो ये तो सिग्निफिकेंट है वन बिल्कुल अब ये जो भी ये तीन जीरो end में एंडिंग है ना डेसिमल दिख रहा है आपको दिख रहा है तो तीनों की तीनों क्या होंगे सिग्निफिकेंट होंगे तो चार सिग्निफिकेंट फिगर इतना आसान है यार मैं रिपीट कर रहा हूं जो पहले जीरोज आए इग्नोर करो उन्हें टाटा बाय बाय जो बीच में जीरोज आए वो सिग्निफिकेंट है हमेशा एंडिंग जीरोज में कंडीशन है अगर डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट है डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं है आई है बात समझ में इतना आसान है यार है ना अब उसमें भैया इसके हजार रूल्स बना दो है ना हजार रूल्स बना दो बच्चे को कंफ्यूज करते रहो बस यही यही है किताबों का काम ना बाकी एकदम निचोड़ के मैंने आपको बता दिया कि है कि भैया सिग्निफिकेंट फिगर ये होते हैं ऐसे तरीके से करोगे तो आपका काम बन जाएगा ठीक है क्लियर ऑल गुड आ गया मजा चलो चलो ठीक है आ जाओ अब यहां पे देखो क्या दिखा रखा है <coughs> आ गए भैया चलो देखो अब अच्छा और क्या दिखा रखा है और बोल रहा है कि काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आप ऑब्जेक्ट्स को काउंट करते हो जैसे देखो दो बॉल हैं या फिर आपके 20 एग्स हैं हैं तो उनमें क्या रहेंगे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर रहते हैं. कहीं पे भी यार एक स्पेसिफिक आपको नंबर काउंट करने को आगे ऑब्जेक्ट के दो बॉल्स की बात हो रही है बीस एग्स एक एक नंबर की बात करें तो उसमें हम क्या बोलेंगे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेंगे क्यों क्यों जैसे आपका जैसे आपका ये है टू तो इसको आप ये लिख दो इसको चाहो तो 2.0 लिख दो देखो ये 2 लिखोगे तो इसमें कितने है? एक सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हो गए दो सिग्निफिकेंट फिगर 2.000 इसमें कितने हो गए चार सिग्निफिकेंट फिगर तो आप चाहो तो इसको कितना भी बढ़ा सकते हो तो इनफाइनाइटली बढ़ा तक आप कर सकते हो इसे तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे इनफाइनाइट इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे आ रही है बात समझ में क्लियर हुआ है ठीक है सही है अच्छा यहां पे एक और चीज बोल रहा है एक और चीज बोल रहा है कि अगर कोई सा भी आपका एक्सप्रेशन साइंटिफिक नोटेशन में डिनोटेड है मतलब जैसे देखो फोर पॉइंट जीरो वन इंटू टेन टू द पावर टू है इसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर बताना है तो इसमें आपको कभी भी चेक नहीं करना है कुछ भी आपका जो टेन टू द पावर ये रहता है टेन टू द पावर टू है तो इसको आपको क्या करना है इग्नोर करना है इसको आपको काउंट नहीं करना है आपको केवल यहीं पे ही बताने हैं कितने सिग्निफिकेंट है तो देखो कितने हैं, फोर सिग्निफिकेंट है जीरो ये बीच वाला जीरो है तो ये भी सिग्निफिकेंट है ये भी सिग्निफिकेंट है तो आपके तीन सिग्निफिकेंट फिगर हो गए तो जो ए की पावर बी है उसको आपको इग्नोर करना है जो ए की पावर बी है उसको आपको इग्नोर करना है अगर पावर आ जाती है तो उधर आपको इग्नोर करना है क्लियर है ठीक है पावर वाला भी मैंने समझा दिया है ऑल राइट right? चलो आगे बढ़े आ जाओ आगे बढ़ते हैं अब देखो यहां पर यार और एक्यूरेसी की बात कर रहा है अगेन ये सारी चीजें आप लोग फिजिक्स में ही बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो एक बार फिर भी हम देख लेते हैं प्रिसीजन क्या होता है प्रिसीजन होता है क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी और उधर ही एक्यूरेसी क्या होती है कि कितना एक्यूरेट हो आप चीजें है ना आपकी जो वैल्यू आई है जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई है वो कितनी एक्यूरेट आई है है ना इज द एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट कितना एक्यूरेट है और कितना प्रिसाइज मतलब कितनी क्लोजनेस है आपकी अलग अलग मेजरमेंट्स की ऑल राइट right? और एक्यूरेसी तो यार ऑब्वियसली पता ही है कि यार कितना एक्यूरेट है है ना मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं दस दस तो आप लोग मान लो पहुंचे हो एक एक बच्चा पहुंचा है 9.8 तक और एक पहुंचा है 9.9 तक तो 9.9 वाला क्या हो जाएगा आपका मोर एक्यूरेट हो जाएगा है ना वो ज्यादा ट्रू वैल्यू के वो ज्यादा नजदीक है करेक्ट वैल्यू के वो ज्यादा नजदीक है तो वो ज्यादा एक्यूरेट है क्लियर चलो इसे बाकी आप लोग यार फिजिक्स में आप लोग इसे पढ़ते ही हैं अच्छा आप ये देख लो यार एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनको आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है देखना याँ देखो या देखिए है ना एक सेकेंड देखो आपको है ट्वेल्व पॉइंट वन वन एटीन पॉइंट जीरो एंड वन पॉइंट जीरो वन टू ठीक है इनको आपको ऐड करना है तो देखो आपने पहले सिंपली ऐड कर दिया अब यहां पे देखो रूल क्या है यहां पे रूल है कि जो रिजल्ट आएगा केन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन ईदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर मतलब मतलब डेसिमल के जो राइट right साइड पे आप सबके नंबर काउंट कर दीजिए सबके नंबर काउंट कर दो देखो पहले वाले में डेसिमल के राइट right कितने हैं हैं वन वन और टू बिल्कुल वाले में डेसिमल के राइट right कितना है एक ही नंबर है बिल्कुल डेसिमल के राइट right कितना है तीन नंबर हैं तीन नंबर हैं तो आपका जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें कितने डेसिमल के राइट साइड में कितने right नंबर होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर चलेगा एक ही नंबर होना चाहिए जो मिनिमम है वो हमें सेलेक्ट करना है मिनिमम है वो हमें सेलेक्ट करना है तो आपका जो आंसर आया है 31.122 उसे आपको कन्वर्ट करना है उसे आपको कन्वर्ट करना है देखो किस में कन्वर्ट हो गया 31.1 में कन्वर्ट हो गया क्यों क्योंकि राइट right साइड में सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के राइट right साइड में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट तक आप जा सकते थे ये होता है जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का अब आप लोग बोलोगे कि भैया इस थर्टी वन पॉइंट वन टू टू को आपने थर्टी वन पॉइंट वन कैसे लिख दिया आपने राउंड ऑफ कैसे कर दिया तो राउंडिंग ऑफ अभी उसने नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड स्लाइड में में समझा रखी है राउंडिंग ऑफ भी समझा रखी क्या ये चीज समझ में आई है एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त हम क्या कर रहे हैं आपके जि जितने भी चीजों को आप ऐड कर रहे हो और सब्रैक्ट कर रहे हो सबके राइट साइड में डेसिमल के राइट right साइड में कितने डिजिट्स हैं वो लिख लो और जो भी मिनिमम हो वो ही आपके आंसर में होने चाहिए उतने ही आपके आंसर में होने चाहिए क्लियर ठीक है अब ऐसे ही जैसे देखो जैसे देखो बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट देखो आपको मल्टीप्लीकेशन और डिविजन बता रहा है देखो मल्टीप्लीकेशन और डिविजन बता रहा है आपको तो मल्टीप्लीकेशन और डिविजन में बोल रहा है द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब मतलब जैसे देखो यहां पे बोल रहा है into 2.5 1.25 करा तो आपका आंसर क्या आया 3.125 आंसर आया 2.5 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं दो हैं कितने हैं देखो ना यार देखो यहां पे सुनो 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 एक सेकंड है ना आपको लिख के बताता हूं पेन से लिख के बताता हूं आपको यहां पे देखो ये रहा आपका 2.5 ये रहा आपका 1.25 इसका आंसर कितना आया 3.125 यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं दो सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे कितने हैं तीन सिग्निफिकेंट फिगर आपको क्या लेना है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको लेने हैं आपको मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स लेना है तो आपका ये क्या है यही तो है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर दो और तीन में से क्या है दो है ना यार मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर तो जो आपका आंसर आ रहा है आपको इस तरीके से एक्सप्रेस करना है कि वो दो सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट हो जाए दो सिग्निफिकेंट फिगर में वो कन्वर्ट हो जाए तो थ्री पॉइंट को भी इसने कन्वर्ट कर दिया थ्री पॉइंट अब आप लोग ये सोच रहे कि भैया ये राउंड ऑफ कैसे कर रहे हो ये बता दो यार है ना राउंड ऑफ कैसे करना है ये बता दो तो देखो राउंड ऑफ में इसने यहां पर वो दिखा रखा है रूल्स बता रखे हैं इसने देखो क्या बता रखा है देखो अगर आपका राइट मोस्ट डिजिट राइट मोस्ट डिजिट मोर देन फाइव है तो जो प्रीसीडिंग नंबर होएगा इट इज इंक्रीज बाय जैसे देखो बोल रहा है वन पॉइंट थ्री एट सिक्स लास्ट वाला डिजिट क्या है सिक्स है तो पांच से क्या है बड़ा है पांच से बड़ा है तो जो पहले वाला नंबर है जो एट था उसको क्या कर दो नाइन कर दो तो वन पॉइंट थ्री नाइन कर दिया इसने सही है अगर आपका जो राइट मोस्ट डिजिट है वो लेस देन फाइव है द प्रिसडिंग नंबर इज नॉट अ चेंज मतलब उसको कुछ भी छेड़छाड़ करनी नहीं है जैसे देखो क्या था 4.334 था तो जो लास्ट डिजिट है वो चार है पांच से कम है तो कुछ नहीं बस उस चार को हटा दो 4.33 ही आपका आंसर हो जाएगा सिंपली सी बात है यार अगर पांच से बड़ा है तो पहले वाले को वन से बढ़ा देना पांच से छोटा है तो कुछ नहीं इग्नोर कर दो सिंपली इग्नोर कर दो अगर जो राइट मोस्ट डिजिट है वो पांच आ गया है अब क्या करोगे भैया अब तो rightmost digit आ गया Then, जो preceding number रहेगा वो चेंज नहीं होगा अगर इवन नंबर है तो लेकिन अगर प्रिसीडिंग नंबर ऑड है तो उसे एक से आप इंक्रीज कर दोगे तो यहां पे देखो इसने सीधा 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 इसने ये बता रखा है जैसे देखो 6.35. अब क्या करें लास्ट का डिजिट तो यार पांच हो गया लास्ट का डिजिट तो पांच हो गया तो अगर लास्ट का डिजिट आपका पांच है और प्रसिडिंग वाला आपका ऑड है देखो थ्री क्या है ऑड नंबर है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 6.4 में ऑड है तो उसे एक से बढ़ा दीजिए लेकिन अगर 6.25 है 6.25 है तो लास्ट का डिजिट क्या है पांच है और इससे पहले क्या है इवन तो ये एज इट इज सिक्स पॉइंट टू ही रहेगा क्या ये चीज क्लियर हुई है या नहीं बताइए क्या ये चीज क्लियर हुई है या नहीं हुई है बताओ राउंड ऑफ कैसे करना है अगर करके देखें कुछ क्वेश्चन करोगे चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं ना कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं स्क्वायर हटा देते हैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाते हैं राउंड ऑफ का आप उन्हें अटेम्प्ट करिएगा चलो जाओ आ जाओ भैया क्वेश्चन करते हैं ना क्वेश्चन कर देंगे तो चीज़ बढ़िया आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जैसे देखो वन पॉइंट फोर सिक्स कन्वर्ट करो आप कितने में थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में जरा कन्वर्ट करके बताइए आंसर बताइए चार्ट सेक्शन में है ना और, और किसे कन्वर्ट करो और कन्वर्ट करो वन पॉइंट थ्री फोर फाइव को चलो वन पॉइंट थ्री फोर फाइव को करो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में चलो कन्वर्ट करो कन्वर्ट करिए कैसे कन्वर्ट करोगे देखो अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं यहां पे चार सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं किस में कन्वर्ट करना है तीन में करना है तो लास्ट वाला डिजिट देखो क्या ये पांच से बड़ा है बिल्कुल पांच से बड़ा है तो इसका पहले वाले को एक से इंक्रीज कर दो ये हो जाएगा वन पॉइंट फोर सेवन तो हो गया तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स में हो गया या नहीं हो गया या नहीं बिल्कुल हो गया है ना बिल्कुल हो गया वन पॉइंट फोर सेवन वन पॉइंट फोर सेवन हो जाएगा क्लियर बिल्कुल सही है अब जरा ये वाला करके दिखाना टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ये करके दिखाइए देखो अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है चार सिग्निफिकेंट फिगर है तो पहले चार से करो तीन में कन्वर्ट कैसे करोगे लास्ट वाला डिजिट क्या है पांच है तो भैया पांच होता था तो प्रीवियस वाला देखो प्रीवियस वाला इवन है तो कुछ नहीं करना है है ना प्रीवियस वाला इवन है तो कुछ भी नहीं करना है इसको एज इट इज वन कर दो ठीक है तीन में कन्वर्ट कर दिया आपने बिल्कुल तीन से कहां जाना है दो में जाना है तो लास्ट वाला देखो क्या है ये फोर है तो पांच से कम है पांच से कम है तो अगेन कुछ नहीं करना है वन पॉइंट थ्री तो ये आ जाएगा आंसर ये आ जाएगा आंसर क्लियर हुई है चीजें ऐसे करते हुए आपको राउंड ऑफ करना है बहुत आसान है यार बहुत आसान है ऐसे करना है आपको राउंड ऑफ क्लियर ऑल गुड चलो ठीक है हाँ ऐसी टाइप के यार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसा कुछ है नहीं है ना ये तो आप बहुत सारी चीजें आप वहां पर भी देखते ही हो फिजिक्स में आप ये सारी चीजें देखोगे अब देखो अब देखो क्या है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व रहता, रहता है किसने बताया लवोजर ने बताया था हमें है ना आपका देखो ये क्या बोल रहा है देर इज नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें मास चेंज नहीं होता है दूसरा इसका स्टेटमेंट कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ये तो हमें पता है करेक्ट अच्छा इसका एक्सेप्शन क्या रहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहां पे वैलिड नहीं होता है बताएगा कोई चार्ट सेक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहां पे वैलिड नहीं होता है इट इज नॉट वैलिड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस न्यूक्लियर रिएक्शंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं होता है उसमें आपका इक्वल्स टू एम सी इसके चलते जो मास है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में तो जो टोटल आपके रिएक्टेंट्स होते हैं और टोटल जो मास रहता है प्रोडक्ट्स का वो बराबर नहीं रहता है वो बराबर नहीं रहता है न्यूक्लियर रिएक्शन में ये चीज वैलिड नहीं है ये चीज वैलिड नहीं है ठीक है क्योंकि उसमें कुछ मासेस कन्वर्टेड इन टू एनर्जी कुछ मासेस कन्वर्टेड टू एनर्जी अच्छा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और क्या है नेक्स्ट है आपका लॉ नेक्स्ट है आपका लॉ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन अब किसने दिया यार ये डेफिनेट प्रपोर्शन जोसेफ प्रोस्ट ने किसने दिया जोसेफ प्रोस्ट ने दिया अब ये बोलता क्या है ये बोलता है ए अ गिवेन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट सही भी बात है यार सही भी बात है है ना जैसे आप पानी ले आओ तो पानी में हमेशा दो एटम किसके रहेंगे हाइड्रोजन के रहेंगे एक एटम किसका रहेगा ऑक्सीजन का रहेगा तो इनका जो मास का रेशियो है इनका जो मास का रेशियो है वो क्या रहेगा ही तो रहेगा पानी आप कहीं से भी लिया पानी आप कहीं से भी लिया ठीक है है ना आप पानी कहीं से भी लिया ये? आपका जो कॉम्पोजिशन है पानी का वो फिक्स्ड रहेगा ये ही बोला लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ने जोसेफ प्रोश ने बहुत इजी लॉज हैं यार है ना बहुत इजी से लॉज हैं इसलिए ही इस लॉ को और क्या बोला गया था इस लॉ को बोला गया था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की जो आ, शन है या फिर जो प्रपोर्शन है वो क्या है डेफिनेट है पानी आ जाए कहीं से भी आ जाए दो हाइड्रोजन के एटम रहेंगे एक आपका ऑक्सीजन का एटम रहेगा ठीक है नेक्स्ट क्या है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन किसने प्रपोज किया डेल्टन ने प्रपोज किया अब देखो ये इसमें क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना है बोल रहा है इफ टू एलिमेंट्स कितने एलिमेंट दो एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड मतलब एक से अधिक कंपाउंड उन्होंने बनाए द मास ऑफ वन एलिमेंट डेट कंबाइन विद द मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल अब भैया ये डेफिनेशन तो बहुत ज्यादा डरावनी लगती है है ना लेकिन है ये बहुत आसान है ये बहुत आसान कैसे सुनो समझो जो एनसीआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है वही मैं आपको आपको बढ़िया तरीके से हूं। जैसे देखो टू अलिमेंट सपोज करो आपका हाइड्रोजन आया एंड ऑक्सीजन आया है ना या ऑक्सीजन आया कितने कंपाउंड बना रहे हैं दो कंपाउंड बनाए सपोज करो दो कंपाउंड बनाए कौन कौन से H2O बनाया and H2O2 बनाया। ठीक है भैया है ना मतलब उन्होंने दो कंपाउंड बना लिया कौन कौन सा एच टू बना लिया और एच टू ओ बना लिया एंड ध्यान से सुनना एंड मास ऑफ वन एलिमेंट इज केप्ट फिक्सड इसका देखो इस केस में दो एटम दो एटम जो तो हाइड्रोजन का मास दोनों में क्या है फिक्स है बताइए पहले वाले में भी दो एटम्स है दूसरे वाले में भी दो एटम्स है तो मास क्या है फिक्स है फिर बोल रहा है जो मास है अदर एलिमेंट का विच इज व्हाट ऑक्सीजन इसमें एक एटम है ऑक्सीजन का तो मास कितना है सिक्सटीन इसमें दो एटम है ऑक्सीजन के तो मास कितना है टू इन जो रेशियो आएगा उनका काटा पीटी करोगे तो रेशियो हमेशा ऐसा प्यारा सा रेशियो आएगा विच इज स्मॉल होल नंबर रेशियो विच इज वॉट वन एस टू टू वन एस टू टू आर्य बात समझ में आर्य बात समझ में दो एलिमेंट आएंगे दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाएंगे तो यहां पे देखो एच टू बना और एच टू टू बना और मास एक का फिक्स रहेगा जैसे इस केस में हाइड्रोजन का मास फिक्स है तो जो दूसरा एलिमेंट है उसका मास क्या रहेगा सिंपल रेशियो में मतलब एक में सोलह था दूसरे में बत्तीस था तो रेशियो क्या आया वन इज टू टू प्यारा प्यारा सा रेशियो आएगा है ना कभी भी डेसिमल में रेशियो नहीं आएगा वन पॉइंट थ्री इज टू वन टू पॉइंट सेवन इज टू वन ऐसा कुछ नहीं आएगा सिंपल प्यारे रेशियो निकलेंगे ये क्या है आपका ये क्या है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या ये चीज समझ में आई है जस्ट गिव मे थम्स अप इन द चैट सेक्शन जस्ट अ थम्स अप इन द चार्ट सेक्शन एनसीआरटी भैया मेरे साथ ही पढ़ लेना ऐसी रेगुलर क्लासेस लगती रहेंगी एनसीआरटी हम लोग एकदम निचोड़ के आपके सामने रख दूंगा कि मतलब एटलीस्ट इस सीरीज खत्म होने के बाद यार ये नहीं होगा कि यार एनसीआरटी से मुझे कोई डाउट है एनसीआरटी केमिस्ट्री की के निपटा दूंगा है ना एनसीआरटी हम लोग शानदार तरीके से निपटा देंगे बताइए कोई भी डाउट आगे बढ़े है ना चलो आगे बढ़ते हैं

ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपने जैसे एच टू आया ओ टू आया कंबाइन करके बना दिया आपका एच टू ओ सपोज करो ये बना दिया है ना ये हमने रिएक्शन कर ली बैलेंस देखो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है बिल्कुल बैलेंस है बिल्कुल बैलेंस है देखो इसका मतलब क्या है कि अगर यार यहां पे देखो यहां पे क्या लिखा है टू लिखा है तो इसकी अगर दो वॉल्यूम आएगी यहां पे क्या लिखा है वन इसकी एक वॉल्यूम के साथ कंबाइन करेगा और इसकी कंबाइन करके बनाएगा पानी बनाएगा आपका दो वॉल्यूम मतलब ये रेशियो बता रहा है हमें क्या बता रहा है रेशियो बता रहा है मतलब अगर इसका आप दो लीटर लेके आते हो इसका आप एक लीटर लेके आते हो तो पानी कितना बनेगा दो लीटर ही बनेगा अरे बात समझ में इसका अगर आप 200 सौ लेके आते हो इसका अगर आप 100 एम लेके आते हो ले देखो ना टू इस टू वन का रेशियो है तो इसका 200 लेके आओगे तो इसका 100 लेके आओगे और पानी कितना बनेगा 200 बनेगा आ रही है बात समझ में तो गेलूसिक्स लॉ गे लॉ के साथ हमें क्या है हमें क्या पता चल रहा है हमें पता चल रहा है किस रेशियो में वो कंबाइन कर रहे हैं और किस पे एप्लीकेबल है दिस लॉ एप्लीकेबल ये लिख लो यार अपनी एनसीआरटी में एप्लीकेबल ओनली ऑन गैसेस सिर्फ और सिर्फ में एप्लीकेबल है जैसे एच भी गैस मानते हुए चल रहे हैं गैस होती है ऑक्सीजन भी गैस और वाटर का भी हम गैशियस फॉर्म ले रहे हैं ठीक है इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सॉलिड एंड लिक्विड इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सॉलिड एंड लिक्विड ठीक है आई है बात समझ में क्लियर हुआ है ऑल right, अच्छा अब और देखो और देखो लास्ट लॉ है आपका एवेगेड्रोज लॉ लास्ट लॉ कौन सा है एवेगेड्रोज लॉ अब एवेगेड्रो लॉ क्या बोल रहा है एवेगेड्रो लॉ बोल रहा है कि अगर आप इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मतलब यार अगर आपने सुनो ये कंटेनर लिया एक ठीक है ये भी आपने दूसरा कंटेनर लिया ठीक है इसमें सपोज करो आपने हंड्रेड एम एल O2 ली इसमें भी आपने सेम वॉल्यूम किसका लिया SO2 का लिया तो अगर इसमें आपके x मॉलिक्यूल्स होंगे O2 के तो इसमें भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे x मॉलिक्यूल्स होंगे मतलब आपको इक्वल वॉल्यूम लेके आनी है गैसेस की और उनको सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे मेजर करना है तो अगर इक्वल वॉल्यूम है तो उसमें मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे सेम रहेंगे मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे उसमें सेम रहेंगे आई है बात समझ में ये कौन सा लॉ है कौन सा लॉ है कौन सा लॉ है ये आपका एवेगेड रोज लॉ है कौन सा लॉ है एवेगेड रोज लॉ है क्लियर हुई है चीज क्लियर हुई है ये चीज ठीक है ये एवेगेड रो लॉ बहुत आसान से लॉ है यार है ना एक बात तो यार केमिस्ट्री आपको यार हो सकता है कि यार काफी अच्छी आती हो है ना तो यार यहां से यार लॉस तो बहुत ही ज्यादा बेसिक है

मैटर तो ददद हमें तो आज पता है कि एटम के अंदर कौन होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन होता है तो यह पहले की थियोरी है यार, ना अब यार ये फ्लॉप हो गई है ठीक है एग्जाम्पल्स आपके आएंगे आपके एग्जाम्पल्स में लेके आया हूं स्नैपशॉट आपको एग्जाम्पल्स भी करवाएंगे ना? थ्योरी भी करवाएंगे और उनके जो हैं एनसीईआरटी के वो भी आएंगे टेंशन नहीं लो है ना सारी चीजें कवर रहेंगी सारी चीजें कवर रहेंगी ठीक है चलो ठीक है अच्छा देखो यही बोल रहा है नेक्स्ट क्या बोल रहा है ऑल एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज है ना उनका मास सेम रहता है ना और जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं है ना उनका मासस भी डिफरेंट रहता है ये यार ये ये भी अब आ, ट्रू नहीं है जैसे आइसोटोप्स के केसेस होते हैं के केसेस होते हैं है ना तो वहां पे ये फिर जो थ्योरी है वो फ्लॉप हो गई अब बोल रहा है कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो अब यार जरूरी नहीं कि यार जो एटम कंबाइन करें वो फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन करें हमारे यार कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन नॉनोशियोमेट्रिक भी आते हैं जहां पे डेसिमल्स में होती हैं चीजें पे डेसिमल्स में भी होती हैं चीजें है ना तो यार वहां पे भी आपका ये थ्योरी फ्लॉप हो गई है ना और क्या है केमिकल रियाक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स ठीक है दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं है यार एक बस ऊपर ऊपर से रीड कर लेना इसको पूछे जाने के चांसेस तो ऑलमोस्ट जीरो हैं इसके ऑलमोस्ट जीरो हैं ठीक है ठीक है right, चलिए अब आ जाओ हम लोग हमारे मेन मोल कॉन्सेप्ट पे हम लोग स्टार्ट करें यार स्पीड थोड़ी स्लो लग रही है तो मुझे बता दीजिए स्पीड अगर आप लोगों को थोड़ी स्लो लग रही है तो हम लोग फास्ट कर सकते हैं बताइए या सही है स्पीड एक बार मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए एक्चुअली यार पहला चैप्टर में यार बहुत ज्यादा स्टार्टिंग का जो पार्ट था वो बहुत ज्यादा यार थियोरेटिकल था ना अब धीरे धीरे आपकी डिटेल में आपका मोल कॉन्सेप्ट आने वाला है बताइए करें स्टार्ट एक बात हम सब दे दो चैट सेक्शन में ऑल गुड स्टार्ट करें हाँ जी एक सेकंड रुकिए एक सेकंड रुकिए एक बात हम एक सेकंड रुकिए हाँ जी करें स्टार्ट सही है स्पीड चलो ग्रेट ग्रेट इस वीडियो में अपन को खत्म ही करना है ये चैप्टर ना चलो आ जाओ अब स्टार्ट कर रहे हैं यार हम लोग हमारे जो आ, टर्म्स आ रहे हैं उनको आप लोग देखते जाइए यार है ना जो टर्म्स आ रहे हैं सबसे पहले क्या आ रहा है अटोमिक मास आ रहा है अटोमिक मास को हम बोलते क्या है अटोमिक मास होता क्या है अटोमिक मास बेसिकली होता है मास ऑफ एन एटम एक एटम का अगर मैं मास लेता हूं तो उसको मैं क्या बोलता हूं अटोमिक मास लेता हूं अब एक एटम क्या रहता है बहुत छोटा रहता है तो उसको हमको किसी रिलेशन में लेना पड़ता है किसी रिलेटिव टू अदर एटम हमको बात करनी पड़ती है इसलिए हम अटोमिक मासज को क्या बोलते हैं रिलेटिव अटोमिक मासस भी बोलते हैं तो सबसे पहले यार आपका हाइड्रोजन चूज किया गया था टू मेजर अटोमिक मासज ऑफ अदर एलिमेंट हाइड्रोजन क्या है सबसे हल्का है तो उसको यार चूज किया गया था उसको चूज किया गया था आपके अदर एलिमेंट्स को मेजर करने के लिए उनके एटॉमिक मासेस मेजर करने के लिए लेकिन वक्त के साथ साथ फिर कार्बन सी ट्वेल्व कौन सा एटम चूज किया गया कार्बन सी ट्वेल्व एटम चूज किया गया हमारे जितने भी अभी अटोमिक मासेस हैं किससे रिलेटेड है किससे रिलेटिव है किस कार्बन सी के कार्बन के रिलेटिव आपके हैं सारे के सारे के आज के आज की तारीख में ठीक है तो देखो हैटोमिक मास इज डिफाइंड एज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू वन बाय ट्वेल्थ मास ऑफ वन सी ट्वेल्व एटम मतलब सी ट्वेल्व एटम लो जैसे देखो ये आपने सी ट्वेल्व एटम लिया इसके आप क्या करो बारह हिस्से कर दो इसके आप क्या करो बारह हिस्से कर दो और इसका आप अगर एक पार्ट उठाते हो वन पार्ट उठाते हो तो ये क्या होगा वन बाय ट्वेल्थ पार्ट होएगा आपने यार एक एटम लिया उसके बारह हिस्से कर दिए और बारह हिस्से कर दिए और आपने फिर एक हिस्सा उठा के उसका मास मेजर करा तो वो क्या होगा जो एक, एक हिस्सा होगा वो वन बाय ट्वेल्थ पार्ट ही तो होगा इसका जो भी यार मास आता है वो क्या कहलाता है ए कहलाता है ए क्या है एक मास की यूनिट है दैट्स इट एक मास की यूनिट बस अच्छा रिलेशन क्या है यार ए और ग्राम्स में देखो यार ये रहा रिलेशन ये रिलेशन हमें ध्यान रखना है वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी ग्राम ये चीज हमें ध्यान रखनी है ये चीज हमें ध्यान रखनी है ठीक है हाइड्रोजन का मास कितना रहता है

एवरेज तो एटॉमिक मास किसके टर्म में करते हैं हम आइसोटोप्स के लिए निकालते हैं हम एवरेज एटॉमिक मास हम किसके लिए निकालते हैं आइसोटोप्स के आ, के लिए हम लोग निकालते हैं जैसे देखो इसका क्वेश्चन रहता है एक फेमस सा क्वेश्चन है मान लो क्लोरीन 35 है इसका मान लो 75 परसेंटेज हमें दे रखा है क्वेश्चन में है ना परसेंटेजस दे रखे होते हैं इसमें यार है ना ठीक है और जो क्लोरीन 37 है मान लो इसका ट्वेंटी फाइव परसेंट हमसे पूछ रहा है एवरेज अटोमिक तो इसको यार निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला है भैया एनसीईआरटी में यही दिक्कत है ना एनसीईआरटी में क्या है यार आप लोगों को फॉर्मूले ऐसे दे ही नहीं रखे हैं है ना तो उसमें मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा ये देखो फॉर्मूला क्या है देखो क्या है थर्टी फाइव वाले की परसेंटेज कितनी है सेवेंटी फाइव तो इधर लिख दो थर्टी फाइव इंटू सेवेंटी फाइव प्लस थर्टी सेवन वाले की परसेंटेज कितनी है ट्वेंटी फाइव थर्टी सेवन इंटू ट्वेंटी फाइव दो ही आइसोटोप हैं तो ऐसे दो टर्म आएंगे डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज टोटल परसेंटेज कितनी होती है हंड्रेड होती है टोटल परसेंटेज कितनी होती है हंड्रेड होती है तो ऐसे आप लोग एवरेज निकाल सकते हो अटोमिक मास का आ रही है बात समझ में क्या ये चीज हम निकाल सकते हैं अब एवरेज अटोमिक मास ऐसे हम देख लेंगे बिल्कुल देख लेंगे टोमिक मास सकते हैं इस तरीके से क्लियर है क्लियर है तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज का ठीक है किस cases में लगाते हैं हम के के जैसे क्लोरीन के दो थे, 35 और 37. तो हमने लगा दिया ठीक है अब देखो अब आ जाओ मोलिकुलर मास मोलिकुलर हैं मोलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो मोलिकुलर मास निकालोगे मोलिकुलर मास निकालोगे देखो बोल रहा है इज द सम ऑफ अटोम ऑफ द एलिमेंट्स

कितने हाइड्रोजन है दो है तो टू इंटू वन कर दिया कितने ऑक्सीजन है एक तो सिर्फ और सिर्फ सिक्सटीन ले लिया तो कितना आ गया अठारह आ गया कितना आ गया अठारह आ गया तो ऐसे करके यार हमको चलना मोलिकुलर मास है मॉलिक्यूल्स के मासज हैं इंडिविजुअल एटम के मासेस ऐड कर दोगे तो मॉलिक्यूल्स का आ जाएगा जैसे देखो और एग्जांपल दिखाओ आपको जैसे ग्लूकोज सी सिक्स एच टिक्स कैसे करोगे इसका कितने कार्बन है छे तो सिक्स इंटू कर दो कार्बन का कितना रहता है बारह रहता है हाइड्रोजन कितने है? 12 तो 12 1 कर दो ऑक्सीजन कितने हैं 6 तो 6 2 16 कर दो तो ये कितना आ जाएगा 180 180 क्या एएमयू एएमयू या फिर यू कहीं पे एएमयू लिखा हुआ हो यहां फिर यू लिखा हुआ हो एक ही बात है क्लियर अच्छा अब देखो अब क्या है फार्मूला मास तो फार्मूला मास में यार एक बात ये चीज फिक्स कर लो बच्चा कंफ्यूज होता है इट इज सेम एज मॉलिक्यूलर मास ये क्या है सेम एज मॉलिकुलर ऑलमोस्ट सेम है ये मोलिकुलर मास के लिए बस इसको हम यूज किसमें करते हैं इसको हम करते हैं इट इज यूज फॉर आयनिक कंपाउंड किसके लिए यूज किया जाता है ये आयनिक कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है बस ऐसा ऐसा ये ये फिक्स कर लो जैसे देखो यहां पे आपको एनएसीएल की बात कर रखा है तो एनएसीएल क्या है एक आयनिक कंपाउंड है तो इसको देखो इसका मोलिकुलर मास निकालो कैसे सोडियम का कितना होता है ट्वेंटी थ्री क्लोरीन का कितना होता है 35.5 तो कितना आया 58.5 तो यही इसका क्या है फार्मूला मास फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में कोई भी डिफरेंस नहीं है बस आपके अगर आयनिक कंपाउंड आ जाते हैं तो उस मॉलिक्यूलर मास को हम क्या बोलते हैं फार्मूला मास बाकी सेम है भैया बाकी सेम है कोनो फर्क नहीं है कुछो फर्क नहीं है क्लियर है क्लियर है ठीक है कोई भी यार ऐसे टफ टफ बात है नहीं है ना बहुत आसान सी चीजें हैं बहुत आसान सी चीजें हैं चलो नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब देखो अब बात कर रहा है मूल कॉन्सेप्ट की अब देखो हमें पता है मूल का मतलब क्या है मूल का मतलब क्या होता है एन ए पार्टिकल्स होते हैं ठीक है एनए का मतलब क्या है एवे गेड कॉन्स्टेंट एवे कॉन्स्टेंट वैल्यू कितनी होती है पावर ट्वेंटी थ्री ठीक है देखो यहां पे दे रखी है यहां पे देखो नीचे नीचे देखो ये सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री इसको क्या बोल रहा है देखो राइट साइड में बोल रहा है देखो जैसे एक मोल एक मोल को क्या बोल रहा है एवेगेट रोज कॉन्स्टेंट सिंबल क्या है इसका एन ए मैंने बताई दिया एन ए क्या है इसका सिंबल है तो मतलब एक मोल का मतलब क्या हो गया एन ए पार्टिकल्स हो गया ऐसे समझ लो ठीक है जैसे देखो यहां पे क्या बोल रहा है वन मोल हाइड्रोजन है तो एक मोल का मतलब क्या एक मोल का मतलब क्या सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री एटम्स एक मोल वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो इसका मतलब क्या सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री वाटर मॉलिक्यूल कुछ नहीं यार कहीं पे भी एक मोल लिखा हुआ है तो उसको रिप्लेस कर दो सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री से लिखा हुआ है एक मोल सोडियम क्लोराइड उसको क्या लिख दो सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री कुछ नहीं बस मोल को किससे रिप्लेस कर दो टेन टू दावर ट्वेंटी पावर ट्वेंटी थ्री से एक ही बात है एक ही बात है अब देखो क्या बोल रहा है द मास वन मोल ऑफ सब्सटेंस अगर मैं यार एक मोल सब्सटेंस लू मतलब सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री सब्सटेंस लू तो उसका अगर मैं मास लू और ग्राम में मेजर करूं तो मैं क्या निकालूंगा उसका मोलर मास जैसे देखो पानी का कितना होता है अठारह होता है मोलर मास अठारह ग्राम जैसे सोडियम का NaCl का जैसे देखो ना सोडियम क्लोराइड तो देखो मैंने क्या निकाला 58.5 ये क्या है उसका मोलर मास है सोडियम क्लोराइड का NaCl नमक हमारा क्लियर हुई है चीजें मोल का मतलब क्या है एन ए पार्टिकल्स एन ए क्या है पावर ट्वेंटी थ्री ठीक है आ रही बात समझ में क्लियर हुआ है अब देखो अब बोल रहा है परसेंटेज कॉम्पोजिशन अब बोल रहा है परसेंटेज कॉम अच्छा यहां पे यार ये एक चीज और देख लीजिए मोल निकालने के तीन तरीके होते हैं ये मैं यार आप लोगों को ट्वेंटी मिनट केमिस्ट्री में भी यार मैं आपको सिखा रहा हूँ मैं आपको वापस यहाँ पे बता देता हूँ मोल निकालने के आपके बेसिकली तीन तरीके होते हैं किस किस से निकाल सकते हो वेट से निकाल सकते हो और आप वॉल्यूम से निकाल सकते हो और पार्टिकल से निकाल सकते हो जो ट्वेंटी मिनट केमिस्ट्री है उसका जो पहला वीडियो है मैंने इसी पे ही बनाया है चाहो तो वहाँ से आप मोल निकालना सीख सकते हो क्लियर यार 20 20 मिनट के यार वीडियोस आते रहेंगे 10 मिनट के 20 मिनट के 25 मिनट के तो उससे आपकी शानदार कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती रहेगी ठीक है चलो परसेंटेज कॉम्पोजिशन सीखें एक बार थम्स अप दे दो चैट सेक्शन में यार स्टार्ट करें परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना बताइए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज कंपोजीशन निकालना ठीक है भैया एनसीआरटी सीरीज और 20 मिनट केमिस्ट्री सीरीज दोनों यार रिलीजियसली फॉलो करते जाना एनसीआरटी से यार हम लोग एनसीआर पढ़ते जाएंगे और 20 मिनट केमिस्ट्री से आपका शानदार बेस या फिर जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके स्ट्रांग बनाते जाऊंगा है ना तो आप देखोगे थोड़े टाइम बाद थोड़े टाइम बाद आप बहुत अच्छे हो जाओगे यार केमिस्ट्री में अगर ये दो सीरीज भी आप अच्छे से फॉलो करते हो तो चलो

अपॉन मोलर मास 18 है इन 200 हंड्रेड ऐसे तो निकलती है परसेंटेज यार परसेंटेज कैसे निकलती है खुद का मास ऊपर रख लो डिनोमिनेटर में मोलर मास रख दो इन 200 कर दो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना है देखो एक ही आइटम है मास कितना होता है 16 मोलर मास 18 इन टू आ रही है बात समझ में क्या ये चीज क्लियर हुई है अब देखो जैसे एक और एग्जाम्पल दिखा रखा है इन्होंने देखो यहाँ पे यहाँ पे देखो जैसे देखो सी टू एच फाइव ओ एच तो देखो कितने कार्बन है दो कार्बन है तो देखो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन दो कार्बन है तो देखो चॉइस लिख रखा है इसने मतलब तो -टु दो है ना तो टू इंटू ट्वेल्व अपॉन मोलर मास कितना है 100 कर दिया अब हाइड्रोजन कितने अपॉन फोर्टी सिक्स इंटू हंड्रेड ऑक्सीजन कितना तो सिक्सटीन ले लिया अपॉन मूलर so 100 कर दिया इंटू हंड्रेड कर दिया तो ऐसे ही करना है, यार। क्या होता है? खुद का मास यार परसेंटेज निकलती है मार्क्स आए आपके हंड्रेड में से तो कैसे निकालते हो आप परसेंटेज कैसे निकालते हो सिक्सटी फाइव अपॉन हंड्रेड और परसेंटेज निकालनी है तो हंड्रेड से और मल्टीप्लाई कर देते हो तो निकालते हुए आ रहे हैं यार बचपन से हम लोग परसेंटेजेस करेक्ट चलो और देखो अब आ जाओ इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला में इंपेरिकल अभी देखना इसमें जो एग्जाम्पल आएगा वो हम लोग करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बताता है एम्पेरिकल फॉर्मूला बताता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो और मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या बताता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम जैसे हम बात करें जैसे हम बात करें देखो देखो जैसे सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स तो ये तो इसका क्या है मॉलिकुलर फॉर्मूला है मतलब ये क्या बता रहा है छह कार्बन आए बारह हाइड्रोजन आए और छह ऑक्सीजन आए बढ़िया तरीके से आपका ग्लूकोज बन चुका है ग्लूकोज बन चुका है लेकिन उधर ही अगर आप सिंपलेस्ट रेशियो निकालो कार्बन एस टू हाइड्रोजन एस टू ऑक्सीजन का मतलब सिक्स इस टू ट्वेल्व सिक्स करो वन इस टू टू इस टू वन कार्बन कितना आ रहा है एक हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन एक ये क्या है इसका एंपेरिकल फॉर्मूला तो एंपेरिकल फॉर्मूला क्या बता रहा है सिंपलेस्ट रेशियो मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या बता रहा है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं नंबर ऑफ कितने हैं आई है बात समझ में ये चीज क्लियर हुआ है ठीक है अब देखो इसने एग्जाम्पल दिखा रखा है यह रहा इसका एग्जाम्पल देखो यहां पर सुनो एग्जाम्पल दिखा रहा है इसने बोल रखा है कि यार एक कंपाउंड में हाइड्रोजन की परसेंटेज दे रखी है देखो आप लोग अपने एनसीआरटी में होगा यार ये कार्बन की दे रखी है और क्लोरीन की दे रखी है ठीक है भैया मोलर मास भी दे रखा है इतना और बोल रहा है इंपेरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला बता दो ये देखो एनसीआरटी में दिखा, दिखा? बताइए एनसीआरटी में दिखेगा ये आपको एनसीआरटी में दिखेगा अब देखो ये क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है आप लोग क्या करो हंड्रेड ग्राम ऑफ कंपाउंड मान लो

तो देखो चार हाइड्रोजन का था मास मोलर मास कितना होता है इसका वन होता है हाइड्रोजन का वन लेके चल रहे हैं ना हाइड्रोजन का कार्बन ट्वेंटी फोर क्वेश्चन में दे रखा है बारह इसका मोलर मास होता है क्लोरीन सेवेंटी वन और मास होता है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव मोलर उसके मोल्स आ गए सबके क्या आ गए मोल्स आ गए अब आपको देखो एंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो क्या आपको सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है बताइए क्या आपको सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है तो एक में आया है 4.04 एक में आया है 2.02 और एक में आया है 2.02 क्या करो आप देखो थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है डिवाइड ईच ऑफ द मोल वैल्यूज जो आपने मोल वैल्यूज निकाली उनको हर किसी को डिवाइड करो विद द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग देम तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा यहां पर टू पॉइंट जीरो तो सबको डिवाइड करने लग जाओ 2.02 से मतलब देखो हाइड्रोजन का क्या था 4.04 डिवाइड करो स्मॉलेस्ट से कितना आ गया टू कार्बन का क्या था 2.02 डिवाइड करो स्मॉलेस्ट से डिवाइड करा क्या आ गया वन क्लोरीन का क्या था 2.02 डिवाइड करो स्मॉलेस्ट से ये क्या आ गया वन तो रेशियो क्या आ रहा है हाइड्रोजन दो कार्बन एक क्लोरीन एक तो रेशियो क्या आ रहा है सिंपलेस्ट रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो आपको मिल चुका है टू इज टू वन इज टू वन ये रहा सिंपलेस्ट रेशियो ये रहा सिंपलेट क्वेश्चन तो आपको एम्पेरिकल फॉर्मुला मिल गया एम्पेरिकल फॉर्मुला मिल गया आपको क्या एम्पेरिकल फॉमुला देखो सी एच सी एल की बात करें तो वन टू 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 वन मतलब सी एच टू सी एल ये आ गया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला एम्पेरिकल फार्मूला आया नहीं है बताओ इंपेरिकल फॉर्मूला आया या नहीं आया बिल्कुल आ गया बिल्कुल आ गया अब आपको क्या बोल रहा है मॉलिकुलर फॉर्मूला भी बताओ तो देखो मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या निकालेंगे देखो इंपेरिकल फॉर्मूला आया है आपका सी एच टू सी एल इसका मास निकालो कितना आ रहा है 49.48 आपको अगर आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला भी निकालना है तो क्या करो मोलर मास को डिवाइड कर दो इंपेरिकल फॉर्मूला से मोलर मास हमको क्वेश्चन में दे रखा है 98.96 एट पॉइंट इंपेरिकल फार्मूला मास मैंने निकाल लिया तो देखो एक वैल्यू आ रही है आपके पास टू यही तो है रेशियो यस yes. अब देखो आपका जो आया है क्या आया है एंपेरिकल फॉर्मूला क्या आया था आपका देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया था आपका सी एच टू सी एल और आपके पास नंबर कितना आया है नंबर आया है आपके पास टू तो इसको आप टू से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा सी टू एच फोर सी एल टू ये क्या आ गया आपके पास मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या आ गया मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया बताओ या ना क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है मोलर मास मुझे क्वेश्चन में दे रखा था मैंने डिवाइड कर दिया उसको एम्पेरिकल फॉर्मूले से मेरे पास एक कांस्टेंट निकल के आ गया उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो इंपेरिकल फॉर्मूले से आपके पास मॉलिकुलर फॉर्मूला निकल के आ जाएगा आया ना क्लियर है बताइए ऑल गुड ना ना इस सीरीज के बाद इस वीडियो के बाद आप लोग खुद यार अटेम्प्ट करना अपने एनसीआरटी के क्वेश्चन आपके बड़े अच्छे से आपके एनसीआरटी के आपको होने लग जाएंगे आगे बढ़े चलो आगे बढ़ते हैं है ना आगे बढ़ते हैं अब बात कर रहा है स्टोशियोमेट्री की अब देखो अब बात कर रहा है स्टोशियोमेट्री की अब बात कर रहा है स्टोशियोमेट्री की तो पहली बात तो ये समझो कि स्टोश्योमेट्री में जो भी आपकी केमिकल इक्वेशन आएगी अभी हमारी क्या आने वाली है केमिकल इक्वेशन आने वाली है अभी आपकी केमिकल इक्वेशन आने वाली है तो केमिकल इक्वेशन क्या करनी है आपको बैलेंस करनी है बैलेंस कर रही है सी एच फोर वाली देख पा रहे हो सी एच फोर वाली आपको जो इक्वेशंस दे रखी है ये देखो ये ये तो सी एच फोर कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म सीओ टू एंड एच टू दो जो ये नंबर निकल के आते देखो बैलेंसिंग करने के बाद आपके पास ये नंबर निकल के आएंगे वन टू यहां पर क्या है वन यहाँ पे क्या है टू इन सब को क्या बोला जाता है स्टोशियोमेट्रिक है तो अगर कोई पूछे कि सी एच फोर का स्टोशियोमेट्रिक को वन ओ टू का कितना है टू सीओ टू का कितना है वन एच टू का कितना है टू ये क्या है आपके स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये क्या है स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये स्टोशियोमेट्रिक हमें बताते क्या है कोई चैट सेक्शन में बताएगा मुझे ट्रिक कोएफिशिएंट हमें बताते क्या हैं? बताइए चार्ट सेक्शन में क्या बताते हैं हमें स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताइए कोई चार्ट सेक्शन में बता सकता है मुझे स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें क्या बताते हैं स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट टेल अस अबाउट द रेशियो क्या बताते हैं रेशियो के बारे में बताता है कि मतलब यार एक मोल आया सी एच फोर का वो कंबाइन करा दो मोल ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म वन मोल ऑफ सीओ टू एंड टू मोल्स ऑफ एच टू मतलब क्या बता रहा है रेशियो बता रहा है कि इन विच रेशियो रिएक्टेंट्स आर रिएक्टिंग एंड इन विच रेशियो प्रोडक्ट आर फॉर्म क्या बता है रेशियो बता रहे हैं हमें अरे बात समझ में हा कितने मोल्स किस रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं वो हमें बताता है स्टोशियोमेट्री अब देखो यार यहां पे इसने एग्जाम्पल दिखा रखा है ना देखो जैसे ये, ये ये रहा इसी का ये इसने देखो ये समझा रखा है कि जो देखो जैसे एक मोल सी एच फोर का दो मोल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और बना दिया एक मोल यू टू का और टू मोल एच टू का सेम आप उसे मोल को किस में कन्वर्ट कर सकते हो मॉलिक्यूल में भी बात कर सकते हो एक मॉलिक्यूल आया सी एच फोर का दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल बनाया सीयू टू का और दो मॉलिक्यूल बनाया पानी का उसी को आप मास में भी कर सकते हो और उसी को आप वॉल्यूम में भी कर सकते हो एक ही बात है एक ही बात है अब सब में उसको कन्वर्ट कर सकते हो ये हमें स्टोशियोमेट्री बता दी दे। अभी देखना दो एग्जाम्पल हैं इसमें दोनों एग्जाम्पल के साथ आपको और भी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगे देखिएगा आप देखिएगा लिमिटिंग रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट कौन है कौन होता है देखो लिमिटिंग रिएजेंट ये होता है लिमिटिंग रिएजेंट ऐसा रिएक्टेंट रेड कुछ ज्यादा ही डार्क हो जाएगा ऐसा रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाए जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट जैसे देखो देखो एग्जांपल से समझो एग्जांपल से समझो ये चीज इंपॉर्टेंट है एग्जांपल से समझो जैसे देखो 2H2 प्लस ओ टू रियक्ट फॉर्म टू एच टू ठीक है सुनना ध्यान से सपोज करो इसके दस मूल लेके आए इसके आप सपोज करो हजार है से क्या ये रिएक्शन बैलेंस है बताइए क्या ये रिएक्शन बैलेंस है बिल्कुल यार ये रिएक्शन आपको बैलेंस दिख रही है हमें क्या बता रही है एक मूल ऑक्सीजन का रिएक्ट करता है दो मूल हाइड्रोजन के साथ यही तो बताती है सोशियोमेट्री हमें बिल्कुल एक मोल ऑक्सीजन के लिए चाहिए आपको दो मोल हाइड्रोजन आप कितने मोल ऑक्सीजन लेके आए हो? दस मोल तो उसके लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए आपको डबल, मोल चाहिए। लेके आप हाइड्रोजन कितने ले आए हो? हजार मोल्स ले आए हो, बहुत ज्यादा आप मोल्स ले आए तो क्या आपके पास हाइड्रोजन बच जाएगा बिल्कुल कितना हजार लेके आए थे बीस रिएक्ट कर गए तो बच कितने गए नाइन एट्टी और ऑक्सीजन बोल रहा है कि भैया हम तो भैया बहुत कम अमाउंट में आए थे हम बहुत कम अमाउंट में आए थे हम तो पूरे खत्म हो जाएंगे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा कंप्लीटली कंज्यूम्ड पूरा खत्म हो जाएगा और अब आप लोग ही बताइए कि अगर ऑक्सीजन पूरा का पूरा खत्म हो गया तो क्या अब आप पानी बना सकते हो क्या नहीं पानी के लिए यार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों चाहिए तो पानी का पानी अब नहीं बन सकता क्योंकि ऑक्सीजन बीच में ही यार खत्म हो गया तो ऑक्सीजन इस केस में कौन हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट जो कि सबसे पहले खत्म हो जाएगा रिएक्शन में और हाइड्रोजन कौन हो गया एक्सेस रिएजेंट जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है खूब सारी मात्रा में आप ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को लेके आए वो क्या हो गया एक्सेस रिएजेंट नाम से ही पता चल रहा है एक्सेस में है वो और ऑक्सीजन आपका लिमिटिंग हो गया वो सबसे पहले खत्म हो गया सबसे पहले वो खत्म हो गया आ रही है बात समझ में बताइए क्लियर हुआ है हाँ तो ये होता है लिमिटिंग रिएजेंट विच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट इन द रिएक्शन सबसे पहले वो कंज्यूम हो जाएगा और वो वहीं पे ही रिएक्शन को रोक देगा अब देखो इसने क्वेश्चन दिखा रखे हैं यार सोशियोमेट्री के ये रहे क्वेश्चन करो अटेम्प्ट करो भैया अटेम्प्ट करो देखो कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं सोशियोमेट्री के करो 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 सोशियोमेट्री में सबसे पहला स्टेप होता है रिएक्शन को बैलेंस करना करिए प्रतीक आज आ जा जाएगा आज या फिर कल मॉर्निंग तक तो वो रिलीज हो जाएगा है ना मुझे ध्यान है बिल्कुल मुझे ध्यान है ठीक है चलो ये करो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर

हम लोग मास में डील नहीं करेंगे हम लोग इसे मोल्स में डील करेंगे तो क्या करो 16 अपॉन मोलर मास सी एच फोर का मोलर मास कितना होता है कार्बन का 12, हाइड्रोजन 4 इंटू वन तो 16 ही आएगा एक मोल आ गए कितने मोल आ गए एक मोल आ गए अब देखो आपको बोल रहा है अमाउंट ऑफ पानी फॉर्मड अब देखो आपको क्या कर रहा है एक मोल सीएच फोर से कितने मोल पानी बन रहा है चार्ट सेक्शन में बताइए मुझे वन मोल अगर मैं सी एच फोर ले लूं तो उससे पानी कितना बन रहा है क्या दो मोल पानी बन रहा है स्ट्रोशियोमेट्री हमें बता रही है बिल्कुल हमारे पास कितने मोल्स आए हैं एक ही मोल आया है सी एच फोर का तो पानी कितना बनेगा दो मोल पानी बन चुका है कितना मोल पानी बन चुका है दो मोल पानी बन चुका है अब अगर दो मोल पानी बन रहा है तो उसका वेट कितना आएगा एक मोल अगर H2O है तो उसका मास कितना रहता है 18 ग्राम तो दो मोल एच टू रहेगा तो उसका मास कितना हो जाएगा टू इन टू एटीन ग्राम विच इज वॉट थर्टी सिक्स वॉट थर्टी सिक्स आया है नहीं लेकिन पहले आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाते हैं ये रहा चलो इसे करो हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ट्वेंटी टू ग्राम ऑफ सीओ टू आफ्टर कंबन करो 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 भैया करो इसे करो इसे करिए देखो पहले इक्वेशन लिखो ठीक है इक्वेशन लिख ली बैलेंस कर लिया है ना बैलेंस इक्वेशन लिख लिया हमने सही है अब देखो मैं क्या दे रखा है जो दे रखा है उसके नीचे लिख दो 22 ग्राम दे रखा है इसको किसमें कन्वर्ट कर दो मोल्स में कैसे करोगे गिवेन मास अपॉन मोलर मास निकालो यार सीओ का सीओ तो टू का मोलर मास निकालोगे तो कार्बन कितना है बारह ऑक्सीजन टू इन टू सिक्सटीन विच इज वॉट फोर्टी फोर ग्राम आ जाएगा मोलर मास कितना आ जाएगा फोर्टी फोर तो मोल्स कितने आ गए हाफ मोल्स आ गए हाफ आपके पास मोल्स आ गए सही है या नहीं अब स्टोशियोमेट्री हमें क्या बता रही है ध्यान से सुनना है स्टोशियोमेट्री हमें क्या बता रही है देखो अगर एक मोल सीओ टू का आपको बनाना है तो एक मोल सीएच फोर का आपको चाहिए होगा एक मोल सीओ टू के लिए आपको एक मोल सी एच फोर का भी चाहिए बिल्कुल हमारे पास कितने मोल्स हैं यार सीओ टू के हमने क्वेश्चन में हमने, जो दे रखा था हमने निकाला हाफ मोल किसका है सीओ टू का तो उसके लिए सी एच फोर के भी कितने मोल्स चाहिए होंगे आपको कितने मोल चाहिए होंगे हाफ मोल ही चाहिए होगा सी एच फोर का भी करेक्ट है ना एक के लिए एक तो हाफ के लिए कितना हाफ अब अगर हाफ मोल सी एच फोर है हाफ मोल सी एच फोर है तो उसका मास कितना हो जाएगा हाफ इन टू मोल मतलब एक का कितना होता है सिक्सटीन ग्राम ना तो हाफ मोल का कितना होगा उसका आधा आठ ग्राम उसका आधा आठ ग्राम अच्छा आपसे मोल्स ही पूछे हुए तो आंसर तो मोल्स ही आ गया हाफ मोल्स आंसर हो गया वेट पूछता तो आठ ग्राम था आपसे मोल्स ही पूछे हुए थे क्लियर है ऑल गुड बिल्कुल 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 बहुत आसान है बहुत आसान है कुछ भी टफ बात नहीं है क्लियर है चलिए नेक्स्ट पढ़ो अब आ जाओ सॉल्यूशंस की है ना अब आपको कंसंट्रेशन टर्म्स की बात कर रहा है कंसंट्रेशन टर्म्स की बात कर रहा है इसके बाद यार स्ट्रोशियोमेट्री का इसके बाद एक और सवाल था अब उसको आपके लिए होमवर्क है स्ट्रोशियोमेट्री का एक और सवाल है आपके एनसीआरटी में है ना वो आपके लिए होमवर्क है उसको आप लोग अटेम्प्ट करिएगा और मुझे बताइएगा है ना वो आपके लिए होमवर्क है ठीक है अब आ जाओ आप लोग इधर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में अब देखो आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स किसकी बात कर रहे हैं हम सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं सॉल्यूशन कैसे बनता है बताइए सॉल्यूशन अगर आपको बनाना है तो आपको क्या क्या चाहिए होता है सॉल्यूट भी चाहिए होता है और सॉल्वेंट भी चाहिए होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिक्स करते हो तो क्या बन जाता है सॉल्यूशन बन जाता है अब देखो यानी यहां पे आपको क्या दे रखा है आपको यहां पे ये मास परसेंटेज दे रखा है जिसको हम लोग वेट परसेंटेज भी बोलते हैं केमिस्ट्री में मास और वेट बराबर है अब देखो देखो हर किसी के हैं मास परसेंटेज का क्या फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इन टू हंड्रेड बस चैप्टर खत्म हो चुका है ना हा देखो ठीक है देखो अब देखो क्या बोल रहा है सोल्यूशन इज प्रिपेड बाय एडिंग टू ग्राम ऑफ ए सबस्टेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वॉटर मतलब देखो ए क्या हो गया आपका ये जो ए हो गया ये क्या हो गया सोल्यूट पानी क्या है सोलवेंट है तो आपको बोल रहा है मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट बताओ कैसे बताएंगे मास ऑफ सोल्यूट विच इज वॉ टू ग्राम डिनोमिनेटर में मास ऑफ सोल्यूशन है सोल्यूशन का मास कैसे निकालोगे सोल्यूट और सोलवेंट का एड करके तो देखो दो और अठारह ऐड किया और हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया आपका दस परसेंटेज आ गया आसान है बिल्कुल आसान है बहुत बहुत ईजी है बहुत ईजी है कोई भी दिक्कत की बात नहीं है नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट बोल रहा है मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन होता क्या है मोल फ्रैक्शन इज मोल फ्रैक्शन इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन मतलब खुद के मोल्स न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आप क्या रखोगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब देखो मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है मतलब सपोज करो आपके ए और बी दो कॉम्पोनेंट है मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का तो खुद के मोल रखो ऊपर डिनोमिनेटर में क्या लिखो टोटल मोल्स एन ए प्लस एनबी ये क्या हो जाएगा एक्स ए मोल फ्रैक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हो एक्स से रिप्रेजेंट करते हो तो एक्स से क्या हो जाएगा खुद के मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऐसे ही एक्स बी क्या हो जाएगा खुद के मोल्स एन बी ऊपर रखा एन ए प्लस एन बी नीचे रखा नीचे हमेशा क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स जरा एक्स ए और एक्स बी को ऐड करो क्या आ रही है वैल्यू मोल फ्रैक्शन इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स के अगर आप ऐड करोगे एक्स ए प्लस एक्स बी करोगे तो क्या आएगा वैल्यू वन आएगा इस चीज को ध्यान रखना हमेशा एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू कितनी रहेगी वन रहेगी कितनी रहेगी वन रहेगी, वन रहेगी। आई है बात समझ में क्लियर हुआ है इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन ऐड करते हो तो वैल्यू कितनी आ आ जाती है? आ जाती है ठीक है है वन ठीक अब देखो इसके भी यार नेक्स्ट मोलैरिटी की बात करते हैं ना देखिए अब नेक्स्ट देखियेटी की बात करें हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट देखो मोलैरिटी की बोल रहा है अब देखो मोलैरिटी में क्या बोल रहा है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रखा है देखिए देखो हाईलाइट करते हैं देखो क्या बोल रहा है देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे? बोल रहा है एक वन मोलर एच का मतलब क्या है एक मोल का प्रेजेंट है किसमें लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में ऐसे अगर जीरो पॉइंट टू मोलर है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है जीरो पॉइंट टू मोल्स एन के प्रेजेंट हैं एक लीटर सॉल्यूशन में इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है अब यहां पे देखो ये एक चीज आपको दिख रही होगी एम वन वी वन इक्वल्स टू एम टू वी टू क्या है भैया ये बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है कि ये क्या है एम वन वी वन इक्वल्स टू एम टू वी टू क्या बता रखा है इन्होंने ये बता रखा है हमें ये बता रखा है आपको ये बता रखा है ये बोल रहा है डायल्यूशन का केस है किसका केस है ये डायल्यूशन का किसका केस है ये डायल्यूशन का केस है ठीक है डायल्यूशन का केस है डायल्यूशन में क्या होता है डायल्यूशन का मतलब क्या होता है बेसिकली डायल्यूशन का मतलब क्या होता है डायल्यूशन का मतलब होता है वाटर एडिशन वाटर को ऐड करने का मतलब क्या है डायल्यूशन सही बात है वाटर ऐड करने का मतलब क्या है डायल्यूशन डायल्यूशन में होता क्या है मोल्स ऑफ सोल्यूट जो सोल्यूट भैया है उनके मोल्स क्या रहते हैं सेम रहते हैं इट रिमेन्स सेम

एम वन वी वन कर रखा है मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर रखा है एम वन इज इनिशियल मोलैरिटी वी वन इज इनिशियल वॉल्यूम तो ये क्या है इनिशियल मोल्स और उसको बराबर किसके कर रखा है एम टू वी टू एम टू इज फाइनल मोलैरिटी वी टू इज फाइनल वॉल्यूम तो इनिशियल मोल्स इज इक्वल टू फाइनल मोल्स मतलब मोल्स क्या रहते हैं सेम रहते हैं डाइल्यूशन पे आई है बात समझ में क्लियर हुई है बताओ हाँ या ना ऑल राइट right, है ना ठीक है देखो यहां पे यही चीज बता रखी है यहां पे यही चीज बता रखी है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या रहेंगे सेम रहेंगे डाइल्यूशन के केस में डाइल्यूशन के केस में क्लियर ये डाइल्यूशन का दे रखा है अब ऐसे ही जैसे देखो और दिखाऊं आपको अब जैसे देखो ये क्वेश्चन दे रखा है करो इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को करिए क्या बोल रहा है कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ एन एच चार ग्राम एन एच का डिजोल्व कराए टू फिफ्टी एम एल ऑफ सोलूशन पहले चार ग्राम से क्या करो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो कैसे निकालो कि का मोलर मास निकालो तो ट्वेंटी थ्री प्लस सिक्सटीन प्लस वन कितना आ रहा है फोर्टी आ रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स एन एच के कैसे हो जाएंगे गिवेन मास अपॉन मोलर मास तो कितना आ गया जीरो पॉइंट वन मोल्स आ गया 0.1 मोल्स आ गए 0.1 क्या आ गए आपके मोल्स आ गए NaOH के अब मोलारिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम किस में लेनी है आपको लीटर में लेनी है तो यहां पे देखो ml में दे रखी है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको हजार से डिवाइड करोगे हजार से डिवाइड करोगे तो हजार कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा है ना तो ये क्या आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा देखो ये क्या आ जाएगा ऊपर हजार से मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपली क्या आ रहा है सौ बाय ढाई सौ है ना तो ये क्या आ रहा है जीरो पॉइंट फोर कितना आ जाएगा आपका जीरो पॉइंट फोर आ जाएगा जीरो पॉइंट फोर आ जाएगा जीरो पॉइंट फोर आ जाएगा क्लियर है अरे आने दो यार स्पैमर्स को आने दो क्या टेंशन है है ना अरे बेचारे वो भी थोड़ा बहुत अच्छी जगह से पढ़ ले है ना आने दो आने दो ने कोई दिक्कत नहीं है ना आप अकेले नहीं आई है स्पैमर्स को एक ऐसा इनविटेशन है अकेले मत आओ यार है ना अपना जो भी आपका जो आपके जो पेड यूजर्स हो आप लोग है ना जो आपको पैसा मिलता है दूसरी क्लासेस पे जाके बकवास से कमेंट करने का तो भैया भरपूर मात्रा में लेके आओ है ना कोई आपको पैसा दे रहा है ये सब हरकतें करने का तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें करिए आप है ना हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना हम यहाँ पढ़ा रहे हैं हमारे पास हमको पता है कि हमारे जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ आपके पढ़ रहे हैं बस ये सब यही इंपॉर्टेंट है है ना ठीक है हा चलो चलिए ठीक है तो ये आपके मुलालिटी हो गई लास्ट क्या दे रखी है मुलालिटी दे रखी है मुलालिटी का देखो क्या फॉर्मूला दे रखा है मुलालिटी का फॉर्मूला आपको दे रखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ अ सोलवेंट इन केजी मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी यहां पर देखो मास किसका है सॉल्वेंट का है मास किसका है सॉल्वेंट का है ठीक है मास किसका है सोलवेंट का देखो क्वेश्चन दे रखा है ये इसका क्वेश्चन भी दे रखा है ठीक है करिए इसको क्वेश्चन को करिए चलो क्वेश्चन करो बोल रहा है डेंसिटी ऑफ थ्री मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इज इतना कैलकुलेट मोलैलिटी यस मोलैरिटी दे रखी है आपको और पूछ रहा है आपको मोलैलिटी बताइए पूछ रहा है आपको मोलैलिटी बताइए करो ऐसे करो 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 करो, करो, करो. करो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए एक बार अपने हिसाब से देखो मोलैरिटी दे रखी है तीन मूल है ना अच्छा अब अगर मैं बात करूं आपकी एक लीटर अगर मैं सॉल्यूशन ले लेता हूं तो तीन मोलर का मतलब ही क्या है उसमें कितने तीन मोल्स है तीन मोल्स है तीन मोल्स हैं है अगर आपके एनए के तो वेट कितना हो गया 175.5 ग्राम हो गया बिल्कुल हो गया एक लीटर सॉल्यूशन में वेट हो गया है आपका 175.5 ग्राम अब अगर ये बताओ डेंसिटी सॉल्यूशन की कितनी दे रखी है 1.25 ग्राम पर एमएल एक लीटर वॉल्यूम मैंने मान ली है सॉल्यूशन की एक लीटर मतलब हजार एमएल क्या यहां से मैं मास निकाल सकता हूं क्या यहां से मैं मास मास निकाल सकता हूं सॉल्यूशन का बिल्कुल निकाल सकता हूं डेंसिटी इज वॉट मास बाय वॉल्यूम तो 1.25 पॉइंट टू फाइव इक्वल्स टू मास में डालना क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर एमएल में है एमएल में डालना तो मास कितना आ गया आपका वन टू फाइव जीरो ग्राम ये किसका है सॉल्यूशन का है आपको मोलैलिटी में मास किसका चाहिए सॉल्वेंट का चाहिए किसका चाहिए सॉल्वेंट का चाहिए तो आपको सॉल्यूशन के मास से देखो यहां पे क्वेश्चन में देखो पिंक पिंक में वन टू फाइव जीरो में सोल्यूट का मासनस कर रखा है इधर 175 आएगा ये 175 तो ये ये 175.5 तो आ गया आपका? ये हो गया आपका हो मास ऑफ सॉल्वेंट अब कुछ नहीं फिर फॉर्मूले में डाला मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट तो आपके पास मोलालिटी निकल के आ गई आपके पास मोलालिटी निकल के आ गई क्लियर है आया है चीज समझ में क्लियर हो गई है बात यहाँ पे भैया आपका ये जो मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर है ये एन के थ्रू खत्म होता है अब आपको जो ट्वेंटी मिनट केमिस्ट्री है उसमें मैं आपको नॉर्मैलिटी और इसके बारे में मैं आपको समझा दूंगा बीस बीस मिनट में पच्चीस मिनट में आधे घंटे में शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बना के उसके मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा ठीक है हां मास बाय वॉल्यूम मास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ये सारी चीजें आपको 20 मिनट केमिस्ट्री में मिल जाएगी एनसीईआरटी में जितना प्रेजेंट था उतना यार अपन लोगों ने अच्छे से कर लिया है अच्छा इसका आपको कहां मिलेगा यहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा यहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा ठीक है यहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा मार्क्स ऑफ लर्निंग आपके टेलीग्राम चैनल पे और ओजोन क्लासेस का है यार वो भी फॉलो कर लेना इन दोनों पे ही मैं आपको यार पीडीएफ जरूर प्रोवाइड करा दूंगा अभी थोड़ी ही देर में थोड़ी ही देर में ठीक है चलो कोई भी डाउट हो, तो हो तो मेरे से पूछ लीजिए कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लीजिए बताइए बताइए नहीं भैया फ्रेश लेक्चर्स रहेंगे आपके फ्रेश लेक्चर्स रहेंगे अटोमिक में भी आपके फ्रेश लेक्चर्स ही रहेंगे यस बताओ कोई दिक्कत कोई समस्या कोई लोड नहीं ऐसे यार एनसीआर पढ़ते रहेंगे लेके आना अपनी एनसीआर साथ में यार आप लोग मार्क करते हुए चलिएगा मैं अपनी तरफ से एनसीआर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा ही और आप लोग यार ऐसे बस हफ्ते में दो तीन क्लासेस और क्या ज्यादा क्लासेस यार आप पे बहुत ज्यादा लोड नहीं दे रहे हैं ना आप लोग सेल्फ स्टडी करते रहिए ठीक है ठीके? अगर यार आप लोगों ने हमारा कोर्स ले रखा है तो यार आप लोग वो वीडियोज देखते रहो और एनसीआर टी यहाँ से मैं केमिस्ट्री की के करवाते जा रहा हूँ है ना कोई भी टेंशन की बात नहीं है कुछ नहीं दो घंटे दो यार मैक्सिमम लगेंगे किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने में दो सवा दो घंटे कोई छोटा चैप्टर होगा तो उसके एनसीआरटी हम एक सवा घंटे में भी कंप्लीट कर लेंगे हफ्ते में तीन क्लासेस बस मंडे थर्सडे एंड सैटरडे ठीक है कल हमारी नहीं लग पाई थी तो उसको हमने आज लगा दिया बाकी नेक्स्ट क्लास हमारी शेड्यूल के हिसाब से थर्सडे को ही लगेगी कोई भी टेंशन हो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए है ना ठीक है टाइम मोस्टली आपका 12 पीएम पे रहेगा कभी कभी हम लोग दस बजे भी सुबह के मिल सकते हैं वो यार वेरी करेगा क्योंकि यार और जो है हमारे फैकल्टीज वो कब किस दिन जैसे क्लास लेना चाहते हैं तो हल्का फुल्का वो वेरी कर सकता है बाकी बाकी मोर और लेस सेम रहेंगी चीजें आपकी ठीक है और थर्सडे right, को मिलेंगे हम लोग है ना थर्सडे को मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर अटोमिक स्ट्रक्चर के साथ ठीक है यार मैं पूरा का पूरा शेड्यूल यार आपको प्रोवाइड कर चुका हूं ओजोन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो यार पूरा आपको शेड्यूल मिल जाएगा उसे यार देख लेना उसे पता चल जाएगा आपको कि कब कौन सा लेक्चर आने वाला है ठीक है पूरा शेड्यूल यार आपको मैं दे चुका हूं ना तो यार वही तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन तो करिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि यार नेक्स्ट लेक्चर कब आने वाला है ठीक है चलो चलिए फिर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर टेक केयर एवरीमन हैव अ ग्रेट ग्रेट डे जोर और शोर से पढ़ते रहे यार ड्रीम बना लिया है कि हम हमारे शानदार से गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे तो अच्छे से उसमें यार मेहनत करते हैं ऑलराइट टिल देन टेक केयर हैव अ ग्रेट डे मिलेंगे यार हम लोग हमारे नेक्स्ट लाइव लेक्चर में टिल देन बब बाय